गण जय जय कार कर रहे हैं, देवताओं में भी सब ग्रुप है कि कौन जय बोलेंगे, कौन स्तुति करेंगे, कौन गीत गाएंगे, कौन नाचेंगे, कौन बजाएंगे, कौन पुष्पों की वर्षा करेंगे, सब आपस में पहले से वो निश्चित कर लिए। इसलिए मिश्रण नहीं होता था, बेताल बेस्वर नहीं होता था, सब चीज बहुत जम करके हुआ है। तो इसलिए तत्चित्र तांडव कह रहे हैं, वह वाणी से अगोचर मेरे वर्णन शक्ति से परे वह विचित्र नृत्य जब हुआ उसके सिर पर, तो उस तांडव नृत्य से विरुग्ण फणात फण, उसके फण विरुग्ण हो गए, विशेषण रुग्ण, रुग्ण का अर्थ फट जाना, घाव हो जाना, खून बहना, विरुग्ण विशेष रूप से विरुग्ण हो गए। वह आतपत्र जो आतपत्र आतपत्र जो आतप से घाम से रक्षा करे उसको आतपत्र कहते हैं, छत्र जैसे उसका फैला हुआ था सिर, तो वह बहुत छत विछत हो गया। और फटने का अर्थ है कि दो भाग में कोई कोई सिर फट गए थे, उस फण पूरे फट गए थे। बाद में भगवान ने सब ठीक कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन इस तरह से नाच। तो मुखय उरु बमन नृपभग्न गात्र रक्तम मुखय उरु बमन, अब मुख से बहुत अधिक रक्त आने लगा, अब लगा कि अब मर जाएगा, बहुत अधिक रक्त निकल जाए तो ब्लड का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, अभी मर जाता है, बहुत अधिक खून निकलने लगा। और भग्न गात्र, गात्र भग्न हो गए हैं, गात्र का अर्थ शरीर टूटने लगा, या गात्र मतलब सिर फट गए सब, भग्न गात्र। स्मृत्वा चराचर गुरु, जब इस दशा में हुआ काली है, तब उसे स्मरण आया कि ये भगवान है, अब समझ में आ गई, पर पहले नहीं समझा था। जब तक अभिमान था, दुर्विष था, तब तक इस प्रकार की शुद्ध बुद्धि उसके भीतर नहीं आई। अब बिल्कुल शुद्ध बुद्धि, कृष्ण भावना उदित हो गई उसके मन में, तो समझ गया कि ये चराचर गुरु हैं, चर और अचर सबके गुरु हैं, ब्रह्मा आदि के भी पूज्य हैं। मैंने ऐसे प्रभु का तिरस्कार किया, हमारे घर में आए और इनको मैं डांसा या अपने चंगुल में बांधा, ये बहुत बड़ा अपराध किया। कालिये का हृदय बदल गया। स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुषम पुराणम, जो पुरुष हैं, पुरातन पुरुष हैं, नारायणम, जिनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, लोकात्मक कमल, अथवा जो जीव के आश्रय हैं, जीवों के आश्रय हैं, ऐसे प्रभु की जो सबके शरण हैं, मन से शरण में गया। अभी वैसे ही कृष्ण को लिए है सिर पर, लेकिन मन से भगवान का स्मरण करने में अनुकूल भाव हो गया। उस स्मरण करने से ज्यादा सौभाग्य उसका था कि उसके सिर पर भगवान थे। स्मरण का कोई खास महत्व नहीं, स्मरण करे या ना करे, साक्षात भगवान उसके सिर पर थे। मन से स्मरण किया, वाणी से कुछ नहीं कहा, अहम तवास में हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपका दास हूं, ये अपराध किया वो अपराध किया, वाणी से नहीं कहा। क्यों? इतना दुख हो रहा था, इतना दुख कि बोलने की शक्ति नहीं थी, यह भी कहने की शक्ति नहीं थी कि मैं आपका हूं क्षमस्व तब अहम अस्मि क्षमस्व, इतना भी नहीं कह सकता था, बोली नहीं निकल रही थी दुख के कारण, केवल मन से शरण में गया। और जब मन से शरण में गया तो उसी समय उसके शरीर का जो स्वभाव था या आंख आदि का, वो तत्काल बदल गया। पहले आंखों से विष उगलता था, क्या क्या करता था, फुफकार छोड़ता था, लेकिन जब मन में भगवान की भक्ति आई तो बिल्कुल संत जैसा हो गया, और
उसकी स्त्रियों ने देखा तत्काल, तब वे आई भगवान से विनय करने लगी। पहले नहीं आई, पहले क्या मना भगवान को, जब ये लड़ रहा था तो क्या मना। तो उन्होंने देखा कि अब पति भक्त हो गया, तब वे आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आप इसको छोड़ दीजिए, बहुत गलती किया लेकिन आपने बहुत अनुग्रह किया, इसको दंड नहीं दिया है, आपने अनुग्रह किया है, वास्तव में यह बात सत्य है। नहीं है कि तत्काल औपचारिकता में वे कह रही हैं, नहीं, सत्य हृदय का उद्गार कह रही है। जैसा नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं उसे है, कैसे नाग पत्नी गण भक्ति ते जहारा पाई लो गोविंद चरण, नाग पत्नियों ने भक्ति से गोविंद को पाया, तो उनके भीतर शुद्ध भक्ति का उदय हुआ है और वे पतिव्रता स्त्रियों थी। नागों का ऐसा स्वभाव में अष्ट सिद्धियां रहती हैं, वो बिल्कुल सुंदर स्वरूप में देवता जैसा रह सकते हैं, सर्प का आकार नामो निशान भी नहीं रह सकता है कभी कभी। जब भगवान शंकरषण के यहां नागों की कुमारियां आती हैं तो बिल्कुल सुंदरी के रूप में, ऐसा नहीं कि पीछे सांप जैसा शरीर भिजती हुई आ रही हैं, ऐसा नहीं है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि सुंदर स्त्री के रूप में रहेंगे या सर्पिणी के रूप में या नाग पुरुष के रूप में या सांप के रूप में परम सिद्धि प्राप्त होती है। न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, तो योग सिद्धि जो कहते हैं उन नागों को सहज प्राप्त रहती है। नाग लगभग देवता के कोटि के होते हैं, नाग देव ये सब जब भी प्रयोग किया जाता है तो इस समय रखा है, मनुष्यों को कहीं नहीं रखा गया है क्योंकि इनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन नाग बड़े ही सिद्ध होते हैं, सब प्रकार के गुणों से युक्त होते हैं। तो नाग पत्नियां पतिव्रता है, तो पति की भक्ति होते ही, अर्थात जब पति इस तरह से कृष्ण का भक्त हुआ, भगवान का स्मरण करने लगा, तो उसी समय नाग पत्नियों के हृदय में कृष्ण भावना उदित हो गई, क्योंकि वो पतिव्रता थे। पति में जो भाव होते हैं पतिव्रता स्त्री में अपने आप चले जाते हैं, ये नियम है। नहीं तो जैसा लोक में कहा जाता है, गाया जाता है कि नाग पत्नियां जाकर के काली नाग को जगाई, जैसे कल माता जी गा रही थी, वृंदावन की माता जी तो गा रही थी कि नाग पत्नियां कृष्ण से कहती हैं कि जाओ भागो भागो, ये बहुत खतरनाक जगह है, तुम चले जाओ, किसके पुत्र हो, के आए हो? तो कृष्ण कहते हैं मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ, ऐसे आया हूँ, ऐसे आया। तो कहती हैं कि हमारे पति बड़े भयानक है, भाग जाओ 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 जल्दी जाओ। तो कहते अरे मैं नहीं भाग सकता हूँ, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। तब क्रोध में जा करके नाग पत्नियां जगाती हैं, जैसा लोक में ऐसा लोग गाते हैं कि नागिन जाकर के जगा रही है, तब नाग आवाज छोड़ेला फुफकार, तब नाग फुफकार छोड़े। जो भी लोक में भी जो लीला गाई जाती है उसमें भी कुछ सार रहता है, आधार है उसका। लेकिन जब काली भक्त हो गया भगवान का स्मरण कर, मनसा तमरणम जगामा, भगवान की शरण में जब वो गया, शरण में मन से गए, इसका मतलब कि अब पूर्ण रूप से अपना मन अर्पित किया कि हे कृष्ण हे नाथ मैं आपका दास हूं, आपने मुझ पर बहुत कृपा किया जो आप आए और मुझे अपनी भक्ति दिए। इस प्रकार का भाव आते ही स्त्रियों का भाव मर गया और वे आई भगवान से विनय करने लगी। कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्नम पार्ष्णी प्रहार परिरुग्ण फणात पत्रम दृष्ट्वा हि माद्यमुपसे दुर्मुह्य पत्न्या आर्तः श्लथत वसन भूषण केश बन्धः।
कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्न। कृष्णस्य गर्भ जगत गर्भे जगन्ति ब्रह्मांडानि जस्य तस्य कृष्णस्य। कृष्ण के गर्भ में मतलब भीतर सारे ब्रह्मांड है। गर्भ जगत कहने का मतलब है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का भार लेकर कृष्ण नाच रहे थे। कालिये को इतना वजन उठाना पड़ा, बहुत बड़ा वजन किसी के सिर पर लाद दिया जाए तो ऐसे ही बेहोश हो जाएगा, ऊपर से उसी वजन से उसको कूटा जाए, मारा जाए, क्या दशा होगी। तो परिरुग्ण फणा सहस्रम, फणा पत्र में आ गया है, उसलिए पाठ भेद है, फणा सहस्रम उसके हजारों फण कट गए। तो दृष्टवाहीन अहि को सर्प को इस दशा में देख करके आद्यम उपसेदु अमुष्य पत्निया, इसकी पत्नियां कालीनाग की पत्नियां अपने पति की यह दशा देख करके आदि पुरुष भगवान की शरण में आई। आद्यम उपसेदु, उप का अर्थ है निकट, सेदु माने आई, कृष्ण के निकट आ गई, पहले दूर थी लेकिन निकट आई। आर्ता, ये बहुत विह्वल थी अपने पति की दुर्दशा देख करके। एक बात की उनको खुशी हुई कि पति का स्वभाव बदल गया, अरे कृष्ण भक्त हो गए, लेकिन शरीर खराब हो गया। कितना भक्त ही हो लेकिन बहुत रोगी हो जाए या शरीर कट जाए तो ठीक नहीं हो। वो सोची कि अब तो ये मर जाएगा हमारा पति, इसलिए भगवान की शरण में आएंगे। स्लथक वसन भूषण केश बंधा, उनके भूषण वस्त्र केश बंध शिथिल हो रहे थे, मतलब शरीर संभाल नहीं पाई, हाय हाय करते हुए भगवान के शरण में आए। आकर के किस तरह कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं और क्षमा प्रार्थना कर रही हैं, ये बात का वर्णन है। ताष्टं सुविघ्न मनसोऽथ पुरस्कृतार्भाः कायं निधाय भूतपतिं प्रणेमुः साधव्यः कृतांजलिपुटः शमलस्य भर्तुर् मोक्षेत्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नः। काः वे नागपत्नियां सुविघ्न मनसः, अतिशय विह्वल चित वाली हो रही थी, बहुत घबरा गए थे कि पति की ऐसी दशा हो गई है कि वे अब मरे तब मरे की हालत में, जिसके मुख से इतना खून निकल रहा है, सिर सब फट गया है, तो व्यक्ति अब 2 मिनट जिएगा कि 1 घंटा जिएगा, क्या ठीक है, कोई ठीक नहीं है। इसीलिए वह सुविघ्न मनसा बहुत अधिक घबरा गई, विह्वल हो गई, आई भगवान की शरण में। अथ शब्द से प्रारंभ करेंगे, पुरस्कृतार्भा, पुरस्कृत अर्भा अपने बच्चों को सामने लेकर के आई, आने से पहले बच्चों को खड़ा की, बच्चों को देखकर भगवान को दया आना चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे, मर जाएगा पिता तो ये कैसे जिएंगे, बच्चों को देखकर दया आ जाएगी भगवान। अरे भगवान मारने नहीं आए थे, वो तो केवल अभिमान नष्ट करने आए थे, लेकिन ये लोग घबरा गए, इतना अधिक पाद प्रहार हुआ और इस दशा में भी अभी नाच चल ही रहा था, तो इन लोगों को विश्वास हो गया कि बिना मारे नहीं छोड़े। इसलिए भगवान में करुणा उत्पन्न करने के लिए अपने बच्चों को आगे करके आई, इससे निश्चित दया उत्पन्न हो जाती है किसी भी व्यक्ति में। छोटे छोटे बच्चे क्या अपराध किए, ये भी जन्मे हुए उसी के हैं, लेकिन बेचारे बच्चों का क्या दोष है, पिता चाहे इतना खराब, पूरा काली दह को विषैला बना दिया, कितने जीव मर चुके होंगे पहले, और जब भगवान आए तो उनके साथ भी फुफकार छोड़ना, मारना, काटना, डसना, ये सब चालू था उसका। उनके कहने का आशा था कि हे प्रभु, हमारे पति चाहे जैसा भी हो, ये बेचारे बच्चे आपका कोई अपराध नहीं किए हैं, इनकी भी भविष्य में जिंदगी देख करके दया कीजिए और छोड़ दीजिए।
मतलब और लोगों के जीवन के लिए इसको जीवित छोड़ दीजिए। तो भगवान में करुणा उत्पन्न करने के लिए बच्चों को पुरस्कृत पूरा हमने सामने आगे करके आई, बच्चों को लेकर के आई। वे सब बच्चे छोटे छोटे सांप के रूप में होंगे चाहे जैसे भी होंगे सांप के रूप में नहीं होंगे क्योंकि सांपों को जिलाने की क्या जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने होंगे सज धज कर कपड़े पहने हुए। दया कायम निधाय भूमि, शरीर को भूमि पर टिका करके प्रणाम की, प्रणेमो। भूमि से क्या मतलब है? या तो जल के नीचे ही भूमि पर चाहे तट पर आकर के भूमि पर प्रणाम की होगी, जैसे भी हो जल को भूमि तो कहा नहीं जाएगा, अथवा जल के स्तर को ही भूमि कहा जाएगा। भूमि का अर्थ आधार, जल के ऊपर ऐसे सष्टांग प्रणाम, सष्टांग भरे नहीं किए होंगे लेकिन पंचांग किए होंगे, जो भी हो शरीर को भूमि पर सटा करके प्रणाम। निधाय, नितरम धाय से अर्थ है सष्टांग प्रणाम। प्रणाम करने से महात्माओं का क्रोध शांत हो जाता है। ऐसा नीति ग्रंथ में लिखा गया है कि कोपा प्रणामांता, महात्माओं का क्रोध कब तक रहता है? जब तक वह व्यक्ति प्रणाम न करे। प्रणाम करते ही क्रोध खत्म हो जाता है। अब जो खल होता है उसका क्रोध, तो चाहे प्रणाम करो चाहे कुछ भी करो, कई वर्ष रहता है। तो महात्माओं का क्रोध है अपराधी के द्वारा प्रणाम तक रहता है। प्रणाम की अवस्था तो ठीक है, कोई बात। और सौहार्द उनकी मैत्री कब तक रहती है? मरण आता है, मरण पर्यंत प्रेम रहता है। शरीर जाएगा तभी मैत्री जाएगी किसी के प्रति स्नेह, मरने तक जीवन भर स्नेह चलता है। क्रोध उनका बहुत क्षणभंगुरा है, क्षणभंगुर क्रोध होता है। बस जिस पर क्रोध है उसने प्रणाम किया, बस खत्म। कोई तो महात्माओं के तो ईश्वर हैं भगवान, तो उनको प्रणाम किया गया तो उनका क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो प्रणाम क्रोध समाप्त करने के लिए कर रही है। एक तो स्वयं ही स्त्रियां हैं, स्त्रियों पर ऐसे ही दया आती है, और उस पर साथ में बच्चे हैं। बच्चे जब सष्टांग किए होंगे तो भगवान के हृदय में बहुत करुणा आ गई। तो जो पहले वो लीला कर रहे, सिर फोड़ रहे, मार रहे, तो वो अभी करुणा से ही कर रहे थे, वो कोई अकरुणा नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रकट रूप में करुणा के लिए भूतपति को प्रणाम की। भूतपति मतलब जीव पालक, भूतानाम पाती थी भूतपति, भूतेश्वर श्री कृष्ण, जीवों के पालक भगवान पति। जब सब जीव के पालक है तो ये भी दो चार बच्चे हैं, इनका भी पालन करना है। या हम विधवा हो जाएंगी तो हमारा कौन पालन करेगा? तो जीवों के द्वारा वो पालन करते। ये भूतपति का अर्थ है भूतै पाति इति भूतपति, जो जीवों से जीव का पालन कराते हैं। मतलब काली को जीवित छोड़ देंगे तो यह औरों का पालन करेगा, यह भाव। तो भूतपति को प्रणाम की, जमीन पर अपने शरीर को गिराकर। और कृतांजलि फूटा है, फिर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कृतांजलि फूटा सांप के शरीर में अंजलि कैसे हो सकता है? कृत अंजलि फूटा है, वो परम सुंदरी स्त्रियां, कृत अंजलि पुटा। कभी कभी चित्र दिखाया जाता है कि नीचे सांप का शरीर है, उसमें से निकली हुई स्त्रियां हैं, तो क्या वे पूरा स्त्री के रूप में नहीं निकल सकती हैं? ऐसे रहती हैं, लेकिन नाग पत्नी है इसलिए नीचे का चित्र बना दिया जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है उनके लिए। अतुर मोक्षेप सभा शरणदम शरणम प्रपन्ना।
अपने स्वामी के पापी स्वामी के समलस्य भरपूर अपने पापात्मा स्वामी की मुक्ति की इच्छा से, मतलब इस पीड़ा दान से मुक्त करने के लिए, कृष्ण के मार से मुक्त करने के लिए प्रार्थना करने लगी, शरण में आई। किसकी शरण में? शरणदम, जो शरण देने वाले हैं से भक्त। तो क्यों पापी पति को भी छुड़ाना चाहती हैं, मुक्त करना चाहती हैं? क्योंकि साधव्य पतिव्रता, पतिव्रता है, पतिव्रता स्त्री अपने पति के दोष को नहीं देखती है। तो साधव्य पतिव्रता स्त्रियां अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए शरण देने वाले भगवान की शरण में आई, हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। नाग पत्नियों की स्तुति श्रीमद् भागवत में बहुत प्रसिद्ध, बहुत महत्वपूर्ण स्तुति है, तो इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले श्रील श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, दंडानुमोदनम सगभी दसभिश्च हरे नति प्रार्थनम पंचभी श्लोक ततः पन्नग जोशिता। अब इसके बाद पन्नग जोशिताओं का श्लोक बोल रहे हैं, सर्प की स्त्रियों का। श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर स्तुतियां दी गई हैं, प्रार्थनाएं दी गई हैं, कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, तो उसका बहुत महत्व है। नाग पत्नियां जो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला के विषय में, कृष्ण के विषय में, काली के विषय में जो अपना विचार दे रही हैं, वह बहुत ही सुंदर विचार है। जिस प्रकार भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं या गोपीजन बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, उसी तरह से नाग पत्नियां बोली हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही है। तो छह श्लोकों में दंड का अनुमोदन कर रही है कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अनुग्रह किया, दंड को ही अनुग्रह मान रही है सब श्लोकों में, और 10 श्लोकों में भगवान को प्रणाम कर रही है, और फिर 5 श्लोकों में वर मांग रही है, प्रार्थना कर रही है। तो 6, 10, 16 और 5 21 श्लोक में इनका उद्गार है। श्रीपद श्रीधर स्वामी इस तरह सर्वे कर रहे हैं। पहले दंड का अनुमोदन 6 श्लोकों में, तो इस तरह से प्रार्थना चालू कर रहे हैं भगवान की। भगवान अभी कालिए के सिर पर ही खड़े हैं, लेकिन अब नृत्य बंद कर दिए, इनको प्रणाम करते देखे तो सीधा साधा खड़े होते हैं, सुनने लगे। भगवान बहुत महान है, बड़े हैं, फिर भी कोई व्यक्ति उनसे कुछ कह रहा है तो उसको ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि स्त्रियां आवे हाथ जोड़े कुछ कहना चाहें और भगवान को फुर्सत ही नहीं है नाचने से नहीं सुन पाए। जब ही अपने बच्चों को आगे करके और हाथ जोड़ करके खड़ी हुई तो भगवान भी नृत्य बंद कर दिए, सुनने लगे, तो प्रणाम करती हैं, कहती हैं पहले नाग पत्नियां ऊंचे, न्यायो हि दण्डः कृतकिल विशेषमिं स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः सुतानाम पितुल्य दृष्टेः धत्से दमं फलमेवानुशंसन। न्यायो हि दण्डः कृतकिल विशेषमिं स्तवावतारः खल निग्रहाय, हे नाथ, हे प्रभो, दंड न्याय ही निश्चित, आपने जो हमारे, आपने हमारे पति को जो दंड दिया है यह न्याय है, उचित युक्त है, ऐसा ही होना चाहिए था, बिल्कुल उचित हुआ है। क्यों? कृत किल विषय अस्मि, यह अपराधी है, अपराधी के प्रति जो आपने दंड दिया है तो बिल्कुल उचित है, यह न्याय है। न्याय, न्याय का अर्थ है न्याय संगत, यह बिल्कुल न्याय संगत, उचित।
और वैसे क्योंकि तलावतार खल निग्रह आया, आपका अवतार खलों पर को निग्रह करने के लिए होता है, उनको कंट्रोल का दमन करने के लिए होता है, ठीक से रास्ते पर चले। तो तल अवतार आपका वैकुंठ से इस जगत में आना खल निग्रह आया। कितना सुंदर ज्ञान है नाग पत्नियों का, जान गई हैं कि भगवान अप्राकृत जगत से उतरे हैं इस ब्रह्मांड के भीतर। तो जब ये ब्रह्मांड के भीतर आते हैं तो उनके कई उद्देश्य होते हैं, उसमें से एक है विनाशाय च दुष्कृतम्। विनाश, नाश का अर्थ होता है अदर्शन, खलों की खलता का दमन करते हैं भगवान। नाश का अर्थ हमेशा मार देना ही नहीं होता है, जैसे नाशम जदू नाम भगवत में एक शब्द है जदुओं का नाश, तो वहां पर अर्थ किया गया है जादुओं का अदर्शन, वे इस प्रकट लीला से अदृश्य हो गए, भगवान के धाम में चले गए, यही है जादुओं का नाश। नाश का अर्थ ही नहीं कि वे समाप्त हो गए, खत्म हो गए, ये तो भगवान जो कहते हैं विनाशाय च दुष्कृतम्, दुष्कृतियों के विशेष नाश के लिए मैं अवतार लेता हूं, मतलब उनकी उनका जो दुष्कर्म है, जो उनकी भौतिक प्राकृतिक सत्ता है, उसको अदृश्य कर देता हूं, मतलब उनको शुद्ध बना देता हूं या अपने धाम में कर देता हूं, ये विनाश का ही अर्थ है। तो यहां पर नाग पत्नियां इसी रहस्य का उद्घाटन करती हैं कि तवावतार खल निग्रहाय, तब अवतार आपका अवतार खलों को निग्रह नितरम ग्रह के लिए, उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनकी उच्छृंखल मनोवृत्ति या स्वभाव और पाप को दूर करने के लिए होता है। तो आपने हमारे पति को जो यह दंड दिया है, वास्तव में दंड नहीं है, यह आपने फल दिया है, रिपोस उतारना मतितुल्य दृष्टि भत्सित दमम फल में अनुशंस, आप फलम एवं अनुशंसन दमम धत् से, फल पर विचार करके ही दंड देते हैं। फल का क्या अर्थ है? फल का अर्थ है पुरुषार्थ, या कहीं भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, किसी जीव को कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होगा, आप सर्वदा यही विचार करते हैं, कैसे जीव सुखी होगा, कैसे धनी होगा, सुख से खाएगा, मेरा भजन करेगा और जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, ये मेरा प्रेम प्राप्त करेगा, इसको फल कहते हैं। तो यहां क्या फल है? कालिए के लिए तत्कालिक फल यह है कि कालिए का दुराभिमान चला जाए और परम फल, परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रीति से प्राप्त हो, आपके चरणों में प्रेम प्राप्त हो। इस फल पर अनुशंसन विचारण, फल पर विचार करके या फल देने के लिए ही दमम धत् से आप दंड देते हैं। केवल हमारे पति को ही नहीं, आप किसी भी व्यक्ति को जब दंड देते हैं तो उसके आत्यंतिक हित पर विचार करके दंड देते हैं, इस तरह से इसका हित होगा। इसलिए श्री कृष्ण को हतारी गतिदायक कहा जाता है, हतारी गतिदायक, हत का अर्थ है मारा हुआ और अरि माने शत्रु, गति मतलब वैकुंठ, दायक अपने शत्रु को भगवान वैकुंठ देते हैं, ये उनका स्वभाव है। इस जगत में ऐसा स्वभाव किसी कहीं किसी का नहीं है, ये द्रोह करने वाले, गाली देने वाले, भगवान को मारने वाले, भगवान के विपरीत आचरण करने वाले जी, और उसको भगवान मारे और दंड दें और वैकुंठ भेजें, यह भगवान का स्वभाव है, ऐसा किसी का नहीं है। अस स्वभाव कहु सुनऊ न देखऊ के खगेश रघुपति समलेख, का भुसुंडी जी कहते हैं कि हे खगेश जी, हे गरुड़ जी, राम जैसा स्वभाव में कहीं न सुना हूं न देखा हूं, किससे तुलना करूं, ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान ने जो इतना प्रकट रूप से भयावह दंड दिया है कालिए को, इसका अनुमोदन करते हुए नाग पत्नियां कहती हैं कि आप परम पुरुषार्थ रूप फल पर विचार करके ही तो दमन किया है। दमन धत् दमन करते दमन, कोई व्यक्ति उच्छृंखल वृत्ति में है
और उसका जीवन अधोगामी हो जाएगा, नरक में जाएगा, तो उसके उस उच्छृंखल वृत्ति का दमन कर देना यह उसका हित है। अच्छा, वो अधिक किया आपने तो जैसा वे आगे कहेंगे, आपके अनेक उपाय थे करने के, लेकिन अपना चरण साक्षात इनके सिर पर आपने दिया, पता नहीं किस सुकर्म का फल है यह। नागपत्नियां इस तरह अनुमोदन कर रहे हैं, तो भत्से दमम फलमेव अनुशंसन, एवं शब्द लगा करके भगवान के दंड विधान में अन्य कोई भगवान की नियत है इसका निरसन कर रही है, केवल फलमेव अनुशंसन और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति क्रोध में किसी को मारे पीटे और फल पर विचार न करे, ऐसा नहीं। इस जगत में जैसे प्रकृति के गुणों में पढ़ करके कोई व्यक्ति किसी को दंड देता है तो वह उसकी दुर्गति सदगति ये परिणाम का विचार नहीं करता है, क्रोध में मारने लगता है। अरे आप ऐसे नहीं, तो भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, लोक में भी यदि राजा किसी को दंड देता है, किसी अपराधी को, यदि वास्तविक राजा है और राजनीति के अनुसार कार्य कर रहा है, तो वह भी अपने देश की एक प्रजा को जो अपराधी है उसके हित के लिए उसको फांसी दे देता है, क्योंकि उसकी पापमय वृत्ति पर प्रतिबंध लगता है यहाँ पर। यदि राजा दंड देता है तो उसके सारे पाप यहाँ ध्वस्त हो जाते हैं, राजा दंड यदि नहीं देता है तो भविष्य में उसका जीवन बहुत दुखमय होने वाला होता है, कई गुना उसे दुख मिलेगा। इसलिए ये राजा को आज्ञा है भगवान के द्वारा शास्त्रों में, को बहुत उच्छृंखल बहुत पाप में स्वभाव जिसका हो गया है उसको यहाँ मृत्यु दंड दे दे, नहीं तो और जिएगा तो पाप करेगा और उसके कारण उसको बहुत अधिक दुख भोगना पड़ेगा नरक आदि में। तो इसलिए राजा भी यदि इस तरह प्रकार का दंड दे तो वह अपराधी के हित के लिए दंड देता है, फिर आपका तो कहना ही क्या। तो आप तो पंचम पुरुषार्थ प्रेम पर ही विचार करके, जीव के वैकुंठ गमन की बात पर ही विचार करके दंड देते हैं, और रिपोह सुतानम अतितुल्य दृष्ट, आपका तो ये कोई व्यक्ति, भगवान की बात छोड़िए, कोई भी व्यक्ति जो महान है उसका अपने पुत्रों के प्रति और शत्रु के प्रति भी समान भाव रहता है। रिपो हो सुतानाम अपितुल्य दृष्ट, कोई शत्रु है फिर भी महात्मा के मन में, महान पुरुष के मन में ये भाव नहीं होता है कि ये शत्रु है। तो जैसे अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है, अपने पुत्रों के प्रति स्नेह होता है, सुतानाम बहुवचन में है, अपने पुत्रों के प्रति जैसे प्रेम होता है वैसे ही शत्रु के प्रति भी प्रेम होता है। ये सामान्य व्यक्ति की बात कर रही है, आपके लिए तो कहना कुछ संभव नहीं। तो आप ऐसे हैं, अथवा रिपोह सुतानम अपितुल्य दृष्टि, जैसे अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है बड़े लोगों का, वैसे शत्रु के पुत्रों के प्रति भी होता है, रिपु के सुतों के प्रति तुल्य दृष्टि। तो जब भगवान के भक्तों की यह दृष्टि होती है तो फिर स्वयं भगवान की दृष्टि कैसी जीवों के प्रति होती है, यही तो पहचानने की बात है वास्तव में, और इसी को ज्ञान कहते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो बहुत गूढ़ पॉइंट समय पर पेश किए जाते हैं उस पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। नागपत्नियां भगवान के स्वभाव, सहज स्वभाव को व्यक्त कर रही है, जीवों के प्रति उनका कितना स्नेह है, कितनी आत्मीयता है, इसको व्यक्त कर रही है। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई लड़का किसी का पुत्र है, बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत गलत आचरण कर रहा है, और पिता यदि उसको बांधे या एक दो थप्पड़ मारे, उसको डांटे, तो पिता का स्नेह ही दंड के रूप में व्यक्त हो रहा है, न कि द्रोह। तो इस जड़ जगत में, प्राकृत जगत में, जब पिता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति इस प्रकार का स्नेह है, वह स्नेह भले कुछ दंड के रूप में प्रकट हो, चाहे भर्त्सना के रूप में प्रकट हो, कठोर वचन के रूप में प्रकट हो, लेकिन है स्नेह। तो उसी प्रकार भगवान है तो अनंत स्नेह समुद्र है,
वो कालिए को मारे चाहे अघासुर के पेट में जा करके उसके पेट को फाड़ दें या बकासुर को मारे या जरासंध का वध करवावे, कुछ भी करें, शिशुपाल का वध करें, लेकिन भगवान का जो स्नेहमय स्वभाव है उस समय भी जीव का त्यों रहता है। बाहर से केवल देखने में लगता है भगवान क्रोध कर रहे हैं, लेकिन क्रोध उनमें उसी तरह संभव नहीं है जैसे सूर्यमंडल के भीतर अंधकार संभव नहीं है। भगवान कभी इच्छा करें भी मनोरथ करें कि क्रोध आ जाता हमको तो आ ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन प्रभु मूर्त कृपामयी है, वो कृपा से ही बने हुए हैं। कृपा मय नक्ष सिख तक के कहीं तत्व है भगवान, वो है स्नेह कृपा। तो कालिए के प्रति अतिशय स्नेह है भगवान का, भले उसे अपने वृंदावन धाम से बाहर करें चाहे कहीं करें, लेकिन स्नेह है। वृंदावन से बाहर किए तो अपने चरणों का अमिट छाप दे करके विदय। और वे कहते हैं, जब कालिए ने कहा कि मैं तो वहां चला जा सकता हूं लेकिन गरुड़ जी फिर हमको मारेंगे, तो भगवान कहते हैं नहीं, अब तुम्हारे सिर पर हमारे चरणों की छाप लग गई और गरुड़ को ये सब समाचार मिलेगा कि भगवान ने इस तरह कृपा किया तो गरुड़ तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम वैसे भी भाई हो, अब नहीं मारेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। तुम्हारा पहला बड़ा खराब स्वभाव था इसलिए गरुड़ मारता था तुमको, अब नहीं मारेंगे, अब तुम बदल गए। गरुड़ कोई पागल नहीं है, नॉन डिवोटी था इसलिए वो मारता है। तो भगवान कृपा कर रहे हैं, पर इस भगवान के स्नेह को, भगवान के इस कृपा को, अनुग्रह को कौन पहचान गई, जिसके पति को, जिनके पति को इस तरह से मारा गया है, वे स्त्रियां भगवान की कृपा को समझ रही हैं। रामचरितमानस में मंदोदरी रावण से कहती है कि हे प्रियतम पति, अब जो कुछ भी किए, मैं जानती हूं राम का स्वभाव इतना कोमल है कि आप अभी भी यदि सीता को लौटा देंगे और क्षमा मांग लेंगे तो वे आपका वध नहीं करेंगे, बल्कि आपको अपनी संगति के कारण, उनसे संपर्क होने के कारण आपको कुछ और देंगे वे, लेकिन आप अभी भी सीता को लौटा दीजिए। वो कहती है कि जोगी जोग कर ही जही लागी, भूख भवन तजी हो ही विरागी। योगी लोग जिसके लिए योग करते हैं, राजा लोग अपना सुखमय भवन छोड़कर वन में जाते हैं, वही प्रभु आपके भवन में आए हुए, लंका में आए हैं, वही दुर्लभ भगवान आए हैं, आप चलिए दर्शन कीजिए और सीता को लौटा दीजिए। इस तरह से वो मंदोदरी पहचानती थी, जानती थी कि ये भगवान है, प्रभु है, वो समझा रहे। लेकिन वो रावण बहुत अभिमानी था, वो नहीं स्वीकार किया, अंत में भगवान ने उसका वध किया और अपना धाम दिया। तो कालिए की पत्नियां भगवान के स्वभाव से परिचित हो चुकी हैं, इसी से नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भक्ति तेज हर पाइला गोविंद चरण, भक्ति से और कृष्ण के चरण कमल को पाई, भक्ति थी इनमें। भगवान के प्रति जब भक्ति होती है तो उस भक्ति से ही भगवत तत्व विज्ञान होता है, भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जाए। बिना भक्ति के भगवान के स्वभाव रूप गुण लीला आदि समझ में नहीं आते हैं, भक्ति नहीं होने पर भगवान कैसे समझ में आते हैं, निराकार। बस भक्ति नहीं रहने पर तो निराकार के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। जैसे बहुत सी वस्तुएं हो अंधकार से ग्रस्त हों, जब तक लाइट नहीं आएगा तो दिखाई कैसे पड़ सकती है, तो भक्ति प्रकाश है, लाइट है। नाग पत्नियों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम हो चुका, इसीलिए कृष्ण के प्रेमी स्वभाव को वे समझ गई और कहती है न्यायो ही दंड कृतकिल विशेष स्तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुता नाम पितुल्य दृष्टि धत्से दमम फल में वनुशंस। भगवान की क्रियाएं, भगवान का किसी को दंड देना या प्यार करना, कुछ भी करना भगवत स्वरूप है,
भगवान सर्व विलक्षण है, भगवान के समान कोई जीव है, कोई देवता है न जीव है, कोई है ही नहीं। तो उनका बोलना, उनका चलना, उनका खाना या किसी को दंड देना करना सब स्नेहमय होता है। भगवान अपने ही अंश से कैसे द्रोह कर सकते हैं बताइए। ममई अंशो जीव लोग के जीव होता सुना, क्या हम कभी अपनी उंगली से द्रोह करेंगे? क्या हम अपने पैर को काट कर फेंकेंगे? नहीं, हमारा अंश है। तो भगवान का अंश है जीव। कोई बहुत बड़ा सुकृत था कालिये का कि वह वृंदावन में वास कर रहा था, जैसे हो गरुड़ जी के भय से वास कर रहा था, लेकिन वृंदावन में वास करने का कोई और पुण्य होगा उसका। और वह भी उस समय जब श्री कृष्ण उस वृंदावन में प्रकट लीला कर रहे हैं। तो भगवान के लीला का एक उपकरण बन करके कालिये तो धन्य अति धन्य हो गया है, इसको पहचान रही है कालिये की पत्नियां। इसलिए सबसे पहला शब्द निकला न्याय, बिल्कुल उचित आपने किया है। जो करना चाहिए कालिये के प्रति आपका व्यवहार वही आपने किया है। मतलब आप अपने स्वभाव में हैं, अपने स्नेह में, स्नेहमय स्वभाव में ही है, आपने बहुत अच्छा किया। किंतु किल विशेष में किलबिश किया है हमारे पति ने, पाप किया है। तो किसी किलबिश कर्ता के किलबिश को, पाप को इसी जीवन में यदि नष्ट कर दिया जाए तो उसका जीवन शुभ हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तो किसी के शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो तो उस रोग को नष्ट करने में रोगी भले छटपटाए और देखने में लगे कि इसको तंग किया जा रहा है, लेकिन उसके रोग को दूर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। हमारा पति आज से शुद्ध हो गया, बहुत अच्छा किया आपने। आप वास्तविक फल पर विचार करके ही दमन धत्स दंड देते हैं, दिए हैं। और आपके लिए शत्रु में और अपने पुत्र में कोई भेद नहीं। भगवान का कौन शत्रु है इस जगत में? सब तो उनके सुत ही हैं, पुत्र ही हैं। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासं ब्रह्म ज्योतिरहं बीज प्रदोपिता। भगवान तो श्रीमुख से कह रहे हैं कि मैं सबका पिता हूं, और पिता में सहज स्नेह है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम या गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सह। वैष्णवता इसी को कहते हैं कि भगवान के इस प्रेमी स्वभाव को जीव जान जाए और उनसे प्रेम करना सीखे। भगवान को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप जीव से जरा प्रेम किया कीजिए, जीवों को बताने की जरूरत है कि भगवान से प्रेम करो, क्योंकि जीवों के तरफ से भगवान के विषय में बहुत भिन्न भिन्न अटकलबाजी है। तो कैसा है, क्या है, भूत है कि प्रेत है, ज्यादातर लोगों के मन में अज्ञान बैठा हुआ है, वो निराकार है। जाओ, प्रेम होने का कोई प्रश्न ही नहीं, ये धारणा बैठी है। इसीलिए भागवत सुनना चाहिए, तब तरण होगा। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता है, तब ये तरेंगे इस अज्ञान के अंधकार से, जो ईश्वर को निराकार माने या चाहे भूत प्रेत माने, बिना अंग वाला, बिना गुण वाला। नाग पत्नियां भगवान को पहचान रही, जो दंड का अनुमोदन करती है। आगे कहती हैं, अनुग्रहो अनुग्रहो यम भवत कृतो हिनो दंडो शतांते खल कल्मषापः जद्दंड सुकत्वममुष्य देहिनः क्रोधो पितेनुग्रहैव सम्मतः। हे नाथ, अनुग्रहोऽयं भवतः कृतोऽहिनः। अयम यह जो देखने में निग्रह लग रहा है, देखने में दंड जैसा लग रहा है, द्रोह जैसा लग रहा है, लेकिन अयम, अयम का अर्थ यह व्यवहार आपका, हमारे पति के सिर पर नाचना, सिर को फोड़ देना, इस प्रकार से लीला करना, यह भवतः अनुग्रह, यह आपका अनुग्रह, यही तो आपका प्रेम है। प्रथम श्लोक में न्याय शब्द निकला, दूसरे में अनुग्रह शब्द पहले निकल रहा है। यह अनुग्रह है,
यह शब्द जो इसमें है, जैसे अयम, अयम का अर्थ है यह दंड के लिए नहीं है। इसमें जो दंड शब्द प्रयुक्त हुआ है वो दूसरे वाक्य में लगेगा। अयम से तात्पर्य जो तो भगवान के सामने बात कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारे पति को दंड देना, यह भवतः अनुग्रहम ही निश्चित मात्र संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, यह आपका अनुग्रह है। अनुग्रह का अर्थ होता है अनुकूल भाव से जब किसी को कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, पकड़ता है अपना बना करके, तो उसको अनुग्रह कहते हैं। तो यह है आपका अनुग्रह है, आपने हमारे पति को अपना स्वजन बनाया है, आज अपना दास बनाया है, शुद्ध किया है। वृंदावन में रह करके गरुड़ जिसे प्रेम नहीं था उसको, और जाएगा भ्रमण दिख में वहां प्रेम होगा, भगवान का अनुग्रह है। अनुग्रहोयम भवतः कृतो ही का अर्थ है निश्चित ही यह आपका अनुग्रह है, न हम लोगों के प्रति, मतलब हमारे पति के प्रति आपने जो अनुग्रह किया है, तो हम सबके प्रति आपका अनुग्रह है, क्योंकि ते दंड, आपके द्वारा दिया गया दंड असताम कलमस अपह, असतों के दुष्टों के कलमस का अपराध का पाप का अपह विनाशक होता है, खलु निश्चित। उस पूर्व वाक्य में ही लगा रही है, और इसमें खलु, खलु निश्चय, निश्चय का अर्थ में खलु शब्द का प्रयोग, असतान कलमस आपह अपहति कर देता है। तो यह पूछा जाए तो आप कैसे जानती हैं कि इस जीव ने, इस काली ने बहुत पाप किया है, बार बार कलमस किलवी शब्द का प्रयोग कर, कृत किल विशेष में इसने पाप किया है, दुष्कर्म किया है, ये किया है, लेकिन क्या करे, जीव है, अज्ञानी है। तो मानो भगवान ने कहा कि इसने क्या पाप किया है, कैसे जानती हो कि यह पापी है। तब कहती है जब दंड सुकत्व, जिसके कारण कलमस के कारण ही तो दंड सुकत्व को प्राप्त किया है, सर्पत्व को प्राप्त किया है। तो सर्प बनना है और जमीन पर ऐसे घसीटते हुए चलना है और क्रोध में रहना है, ये कोई अच्छे कर्म का फल नहीं है। जब दंड सुकत्व, सर्पत्व नागत्व को प्राप्त हुआ है, इस जगत में जो जीवों का भिन्न भिन्न स्वभाव है, उनके पूर्व जन्म के भिन्न भिन्न कर्मों का द्योतक बता देगा कर्म की, यह व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या है। जो लोग सांप की तरह फुफकारने लगते हैं क्रोध में, तो इसका अर्थ है कि दो चार शरीर सांप का धारण किए हो। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, बहुत फुफकारते हैं, अगर उनका जूता भी कोई इधर उधर थोड़ा रख दिया तो फुफकारे, कौन ऐसा किया। तो वचन से ही दंशन करते हैं, ऐसा नहीं कि चुपचाप रह जाए, ना डसे, कोई ना कोई बात से डस देंगे, और बात का विष शायद सर्प के उस विष से भी भयानक होता है। थोड़ा संभाल करके बोलना चाहिए, दसना नहीं चाहिए, कहीं से निर्विष सर्प रहना चाहिए। अगर ऐसा कहा जाए तो कुछ लोग कहेंगे क्या फुफकारे भी नहीं। तो प्रसिद्ध घटना सुनाने लगते हैं, प्रसिद्ध घटना सुनाने लगते हैं कि कोई महात्मा थे, उनका एक शिष्य सर्प बना। पहले तो भयावह था, शिष्य बनने से पहले तो बहुत लोगों को डसा करता था, मर गए थे। तो उस महात्मा ने कहा कि नहीं, डसो मत, अब एकदम साधु हो जाओ, आज से मत किसी को डसो, कुछ मत करो। तो चुपचाप रहने लगा, फुफकारता भी नहीं था, तो बच्चे भी उठा उठा कर उसको फेंकने लगे इधर उधर। तो उसकी दुर्दशा हो गई, बेदम हो गया। तो महात्मा से भेंट हुई तो पूछा कि आपने तो ऐसा बताया, मैं तो बहुत तंग करते हैं हमको लड़के, क्या को? महात्मा ने कहा कि तो मैं फुफकारना थोड़े मना किया था,
कभी कभी फुफकारा करो जिससे लड़के दूर भागे रहे। यदि आजकल कठोर वचन बोलने वाले को कहा जाता है कि नहीं मधुर वचन बोलिए, तो कहते नहीं 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 फुफकारा जाएगा, तो वो कहते हैं कम से कम फुफकारने तो दीजिए, फुफकारा जाएगा नहीं तो सिर पर चढ़ जाएंगे। काहे को कोई सिर पर चढ़ने जाए, भगवान तो कहते हैं तृणा दपी सुनी से, तीर्ण से भी अधम रहना चाहिए। पैर कोई दे देता है तीर्ण पर तो क्या तीर्ण आज तक कोई गाली दिया है या झगड़ा किया है कहीं किसी से भी? कुत्ता भी पैर दे दे, हाथी पैर दे, आदमी पैर दे, जूता पहन करके पैर तीर्ण पर चलता है, लेकिन क्या कभी बोला है? नहीं। नाग पत्नियां कह रही हैं कि हमारा पति अपराधी है, क्यों इसी जन्म की बात नहीं कह रही है? इस जन्म में तो इनका भयंकर स्वभाव रहा ही, आपका स्वागत नहीं किए, उल्टे झगड़ा किए, तो आज इस दशा में आए, और भी कितनी गौओं को दुख हुआ, गोपों को दुख हुआ, एक बार तो सब मर चुके थे, इसके अपराध की वास्तव में कोई सीमा नहीं, बहुत इस जन्म में। अच्छा ठीक है, यह हम माना जाए कि भाई बेचारा सर्प है, सर्प का जाति स्वभाव है इस तरह से डसना या विष उगलना, तो ठीक है, यह स्वभाव भी तो किसी और स्वभाव पर आधारित है ना, इसका भी कारण दंड सुखत्व का, दंड सुख सांप होगा था सर्पत्व, सर्प या जोनी जो इसको मिली इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पाप रहा होगा, तो पाप से पाप शरीर मिलता है, फिर मनुष्य पाप करता है और नरक में जाता है, तो पुनः पाप फिर नरक फिर पाप, इसी तरह पाप में शरीर मिलता है। तो सर्प आदि का शरीर मिलना यह मनुष्यों के, तो इसने पाप किया है इसमें कोई संदेह नहीं। जब दंड सुखत्व मनुष्य देहिना क्रोधो पितेनु ग्रह, अपने पति के पूर्व जन्म के या इस जन्म के पापों को व्यक्त करें, निश्चित है पापी हैं, परंतु हे नाथ आप तो क्रोधो पितेनु ग्रह वसमता, आप जब क्रोध करते हैं किसी पर तो आपका क्रोध भी ते क्रोध अपि अनुग्रह वसमता, आपका क्रोध भी अनुग्रह ही माना गया है। वो अपि और इधर लगा रहे हैं एव, दोनों ओर निर्धारण कर रही है, आपका क्रोध भी अनुग्रह माना गया है। अगर क्रोध न करके और तरह से भगवान कुछ करे तो वो तो अनुग्रह है ही, लेकिन क्रोध भी अनुग्रह ही है, अनुग्रह एव सम्मत और कुछ नहीं है। तौ एक ही श्लोक में तौ शब्द दो बार लगाने की क्या आवश्यकता है? केवल आपका ही ऐसा स्वभाव है और किसी का नहीं, इसके द्वारा यह कहा जा रहा है ते क्रोध, आपका क्रोध अनुग्रह माना जाता है। ऐसा नहीं कि आपके देखा था कि सब क्रोध करे और कह दे कि हम भी अनुग्रह कर रहे हैं, भगवान भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता है। देखिए कहीं श्लोक में दो बार ते शब्द का प्रयोग है, अनुग्रहोयम भवतः कृतो हिनो दंडो सतांते खल कलम साप ते पव दंड असतां कलम साप। आप जब दंड देते हैं तब असत का दुष्कर्मी का पाप नष्ट हो जाता है, दूसरा कोई दंड देगा तो पाप नष्ट नहीं होगा। आप जब दंड देते हैं तो आपका दंड देना दूसरा है, और ते क्रोध आपका क्रोध अनुग्रह ही माना गया है सम्मत। कई किनके द्वारा? साधु भी या विज्ञ जो समझदार हैं, आपके लीला के रहस्य को जानते हैं, और लोग मानते हैं कि आपका क्रोध भी अनुग्रह है, तो आप हमारे पति पर अनुग्रह किए, दंड नहीं दिए, इसको दंड नहीं कहते हैं। कितना सुंदर साक्षात्कार है नाग पत्नियों का, प्रकट रूप से विचार करें तो इससे अधिक दंड क्या हो सकता है पति को।
भगवान चाहे सिर को छत विछत कर दे, कुछ भी करें, लेकिन वो अनुग्रह है। और इधर कोई एक तमाचा भी मार दे तो वो भी निग्रह माना जाएगा, वो भी तंत्र माना जाएगा। किस नियत से किया जा रहा है और परिणाम उसका क्या होगा दंड देने का, भगवान सब मिला लेते हैं। नियत तो यह है कि शुद्ध करें। अच्छा, भगवान की नियत, भगवान का अभिप्राय जो रहता है वही फल भी होता है। ऐसा नहीं कि जीव जैसा मनुष्य जैसा वो सोचता है कुछ और हो जाता है कुछ और। एक बार मैं सुना था एक व्यक्ति को, पिता ने उसको एक दिन छड़ी से मार दिया। छड़ी से मारा कि इधर उधर घूमता था, घर पर रहे पढ़े लिखे, तो मार दिया तो 3 साल तक भाग कर गुजरात चला गया। कहीं सूरत में किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो पिता तो छड़ी मारा, अभिप्राय उसका अच्छा था कि हमारा पुत्र शुद्ध हो जाए, लेकिन परिणाम क्या होगा इसका ज्ञान उसको नहीं। उसको ये पता नहीं था कि 3 साल तक उसको खोजना भी पड़ेगा, 1000 रुपये बर्बाद हो जाएगा, कहीं जा कर आएगा। इस प्रकार से होता है। भगवान जब दंड देते हैं तो परिणाम पूरे जानते हैं कि यही होगा, और वही करने के लिए करते हैं, हित करने के लिए दंड देते हैं और जानते हैं कि यही होगा। काली को जो दंड दिया गया है उसको परम वैष्णव बनाने के लिए, अब जहां रहता होगा रमण द्वीप में बाद में, तो काली तो रोज कृष्ण कथा कहता होगा, और खास करके स्वदंड की कथा जरूर कहता होगा कि भगवान ऐसे आए, ऐसे खेले, ऐसे किए कि वो जितनी अच्छी कथा काली दमन की कहता होगा वो तो नारद जी सुखदेव जी भी नहीं कह पाएंगे। सत्य बोल रहा है, देखा था आंखों से कैसे कैसे कूदे, कैसे तैर रहे थे, जल संतप तरण कर रहे थे और सब। तो वो अपने घर में जाकर रमणक द्वीप में अनेक नागों की सभा में ये सब बातें कहता ही रहता हूँ। साधारण व्यक्ति अपने विषय में रात दिन बोलता रहता है, यहाँ गया वो किया, यहाँ गया ये किया। एक साधु थे जटाधारी, हम लोगों से जब भेंट होती थी तो भोजन की बात करते थे, फलाहारी थे। यहाँ गया तो वो इतना फल दिया खाने के लिए, वहाँ किशमिश दिया, ये किसी में घंटों बीत जाता था। तो फिर भगवान जिसके सिर पर नाचे हैं, जिसके देह में वे फंसे थे, तो वो क्यों नहीं काली रात दिन इसी कथा के आवेश में रहता होगा। तो रमणक द्वीप में रहते हुए भी वह वृंदावन में भगवान के साथ रहता होगा मन से और वाणी से। बल्कि वृंदावन में रहते समय वो महारमणक द्वीप में था, वो वृंदावन में था नहीं। वृंदावन की रहनी होती है किस मुद्रा में रहा। मैं इसके द्वारा वृंदावन वास पर आघात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह से वृंदावन में रहना ही सौभाग्य का सूचक। लिखा है हरिश्री जी ने, कुछ भी हो कालिये ने कुछ भी सुकृत नहीं किया था, लेकिन एकमात्र उसका सुकृत था कि वो वृंदावन में था, इसीलिए भगवान ने कृपा किया, स्पष्ट कहते हैं। बल्कि वृंदावन में आकर उसने 1000 प्राणियों का वध कर दिया था अपने विषमय जल से, चाहे जैसे तैसे। भगवान के सखा भी मर गए थे एक बार, गौएं मर गई थी, तो मारने का पाप तो उस पर लगा, लेकिन सारा पाप एक तरफ और वृंदावन में रहने का, ब्रज में रहने का पुण्य एक तरफ किया जाए तो यह हिमालय की तरह भारी होगा और सारा पाप सरसों के दाने की तरह हो जाएगा। भगवान ने और कुछ नहीं देखा, यही देखा कि वृंदावन में रह रहा है और इसीलिए कृपा किया। तो हरिश्री जी का मत है, नहीं तो स्वयं स्त्रियां ही कह रहे हैं पूर्व जन्म में पाप किया था इसलिए सांप बना, सांप बन करके तो पाप ही करना है और क्या करना है। इसीलिए वो कहती है तपह सुतप्तम किमने न पूर्वम निरस्त माने न समान देना कस्यानुभाव सनदेव विद्महे। हे देव, हम नहीं जानती हैं कि किस सुकृत का ये फल है कि आप सिर पर आए, आप प्राप्त हुए इनको। कस्यानुभाव सनदेव विद्महे, कस्य अनुभाव, किस सुकृत का, किस शुभ कर्म का ये फल है कि आप मिले।
जबकि आपके चरण रज की कामना से आपकी बक्षो विलासिनी लक्ष्मी तप कर रही है, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला। और आप तो अपना पूरा शरीर काली को दिए, पूरा आलिंगन में रखा, प्रत्येक सिर पर चरण दिया, कई प्रकार से अनुग्रह किया, तो हमें मालूम नहीं है किस है। इसी श्लोक की व्याख्या पर हरिश्री जी कहते हैं, इस सब वृंदावन वास का फल है, तुमको मालूम नहीं लेकिन हमको मालूम है कि किस सुकृत का फल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार भगवान ने काली पर अनुग्रह किया। अब नाग पत्नियों के जो उद्घाटन दे रहे हैं, एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भर मैलो नीर भर, जब मिल गए तब कबरन हुए, तब मिल गए गंगा नाम परो, गंगा नाम परो। ये है बड़े लोगों के संपर्क में आने का लाभ। तो इस जगत में सबसे बड़े तो भगवान है, भगवान के संपर्क में आने पर भगवान के समस्त गुण उस जीव में आ जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो उदाहरण है जैसे रथ्याम्बू, रथ्या कहते छोटी छोटी गली। वर्षा के दिन में हम लोग देखते हैं शहरों में या गांव में छोटी छोटे गलियां होती हैं, पानी बरसता है, सारा पानी गंगा जी में आ जाता है। लेकिन गंगा जी में मिलने के पहले मैलो नीर भरो, मटमैला और गंदा जल रहता है, लेकिन गंगा जी में गिरते ही और उसमें कौन विचार करता है कि इसमें नाला का भी जल गिरा है, ये गिरा है, वो सब गंगा हो गया। गंगा नाम परो, समस्त पानी गंगा जी के संग में होते ही गंगा जी कहा जाता है। और देवता भी ऐसे जल की वंदना करते हैं, महाभावानुसंसर्ग कस्य नोन्नति कारक रथ्याम्बू जाह्नवी संगा त्रिदशैरपि वन्द्यते। एक श्लोक में कहा गया है कि महान पुरुषों की संगति किसको बड़ा नहीं बना देती है। गलियों का बहने वाला जल जब गंगा जी के संग होता है तो त्रिदश देवता भी उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यदि गंगा जी से पानी न मिले तब तो बिल्कुल निकृष्ट, कौन उससे मस्तक पर धारण करेगा, मनुष्य धारण करेगा ही नहीं, देवता कहाँ से धारण करेगा। लेकिन गंगा जी की संगति से वह जल पावन हो जाता है। सुभयर वसुभ सलील सब बहई, सुरसरी कौ अपनीत न कहई। गंगा जी में शुभ अशुभ जल सब प्रकार का बहता है, लेकिन फिर भी कोई भी गंगा जी को अपवित्र नहीं कहता है। एक वक्त बता रहे थे कि गंगोत्री में गंगा जी में बहुत कम पानी आता है और सब पानी आया करके मिलते जाते हैं, बाद में और नदियां मिलती हैं, नदियों के साथ साथ बहुत से नाले भी गिरते रहते हैं, लेकिन सब गंगा जी हो जाते। गंगा सागर तक पता नहीं कितने रथ्याम्बू गिरते हैं, गलियों के जल नालियों के जल, लेकिन सब गंगा जी हो जाते। इस प्रकार भगवान के गुण हैं, उनसे संपर्क में आते हैं जीव शुद्ध हो जाता। यही आशय है नाग पत्नियों का, क्या हमारे पति का अपराध अब तक रह गया? नहीं। यह कहा जाए, मान लीजिए नाग पत्नियां भगवान से पूछें कि आप अपने गुणों के द्वारा महान शक्तिशाली हैं बलवान हैं कि अपने अवगुणों के साथ हमारा पति है, तो एक लोहा टच करे स्पर्श मणि को
तो क्या स्पर्श मणि लोहा हो जाएगा? नहीं, लोहा ही सोना बन जाएगा। तो यह तो खैर संसारिक उदाहरण दिया जाता है। स्पर्श मणि लोहा को छू करके उसको सोना बना सकता है, लेकिन अपना स्वरूप नहीं दे सकता है, उसको स्पर्श मणि नहीं बना सकता है। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त तो जिसको छूते हैं उसको अपने समान बना देते हैं, स्पर्श मणि बना देते हैं। जैसे श्री नारद जी ने मृगारी को उपदेश दिया, उस पर कृपा किया तो अपने समान बना दिया, बहुत बड़ा महात्मा हो गया तत्काल। तो भगवान के गुण इसी आशय से गिनाए गए, अगुण अविकार प्राकृत। यहां प्राकृत का अर्थ है प्रकृति का नियमता स्वामी। तो प्राकृत शब्द सुनने पर कुछ लोग चौंक जाएंगे, भगवान प्राकृत है। यहां प्राकृत का अर्थ है प्रकृति का मालिक, प्रकृति का स्वामी, अथवा अप्राकृताय। और यदि रख देंगे तो अप्राकृताय। कालाय कालनाभाय, आप ही काल हैं और काल के आश्रय हैं। और काला अवयव साक्षी है, काल के विभिन्न अवयव में, विभिन्न भागों में जो भी कुछ हो रहा है सबके आप साक्षी हैं। काल के बड़े सूक्ष्म अंग होते हैं, जैसे सबसे सूक्ष्म अंग इस समय है सेकंड, यही है सबसे सूक्ष्म, इससे तो ज्यादा सूक्ष्म नहीं बना है। वैदिक गणना में सेकंड से भी अधिक सूक्ष्म भाग है काल का, लेकिन इस समय सबसे सूक्ष्म भाग है सेकंड। तो पहले भूतकाल में किस सेकंड में कौन क्रियाएं हुई हैं, कौन जीव क्या सोचा है, क्या खाया है, क्या पहना है, और आगे घंटा या क्षण या सेकंड बीतेंगे तो उन सब में कोई क्या सोचेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या होगा, भगवान सब जानते हैं, साक्षी हैं उसके, सब कुछ ज्ञान। वही वस्तुओं का परिवर्तन कर रहे हैं और वही काल के आश्रय हैं और काल के अंगों के भी साक्षी, अवयव माने अंग। यह भगवान की विशेषता है। जब गुण वर्णन हो रहा है तो ध्यान से इन बातों को समझना चाहिए। भगवान के गुण है खूब अच्छी तरह से तब तक समझ में नहीं आते हैं जब तक मनुष्यों के गुण को आदमी न विचार कर ले, तो मिलान करके तब ज्ञान होता है। वास्तव में भगवान कितने ज्ञाता हैं इसको हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन केवल इतना अनुमान करते हैं कि मनुष्यों से कोटि गुना ज्ञान है भगवान का, बस इतना मानते हैं, बहुत ज्यादा है। मनुष्यों का ज्ञान तो कुछ नहीं है, किसी को क्या याद है कि कल इतना बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर वो क्या सोच रहा था, किसी को याद नहीं। और दो चार साल पीछे की बात देखनी होगी तो डायरी खोलना पड़ेगा, मैं ऐसा था, ये खा रहा था, वहां गया था। पहले पूछ दिया जाएगा कि लास्ट ईयर में आप 5 मई को कहां थे, तो एक बार सोचना पड़ जाएगा कि कहां था, मोटा मोटी याद आएगा कि यहां था। ठीक है, तो 5 मई को 8:16:32 पर आप क्या सोच रहे थे लास्ट ईयर में, क्या किसी को याद है? भगवान तो एक एक सेकेंड की बात जानते हैं, जो कुछ जीव खाया है, हंसा है, चला है, उसकी पलक कब गिरी, कैसे गिरी, कब बीमार हुआ है, क्या हुआ, अनादि काल से और अनंत काल तक कौन जीव क्या करेगा, कैसे रहेगा, सब भगवान को ज्ञात।
इसको काल अवयव साक्षी कहते, काल के अंगों में होने वाली क्रियाओं के साक्षी। हम लोगों में तो लोग बहुत ज्यादा तेजस्वी माने जाते हैं, मेधावी माने जाते हैं, कोई डेट बता दें कि अमुक डेट को ये घटना हुई थी, बस इतना ही काफी है दिमाग। इतना बहुत जोर लगा करके लोग पूछते हैं कभी कभी अपने गुरु का या किसी बड़े आदमी का कि भाई उसका जन्मदिन ये है, ठीक है जन्मदिन पता लगा लेते हैं, तो कब जन्म हुआ था अभी पता नहीं लगता है, भोर में जन्म हुआ था कि शाम को हुआ था। अब तो कुछ लिखते हैं लोग तो पता चलता है, नहीं तो कुछ पता नहीं रहता है। कई लोग मिल करके एक आदमी के जन्म का पता नहीं लगा पाते हैं, बिल्कुल सेकंड आदि का ज्ञान होना सारी क्रियाओं का यह असंभव है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। विश्वाय श्री कृष्ण ही विश्व है, अर्थात विश्व उनसे उत्पन्न हुआ है, विश्व भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि भगवान के बिना इसकी सत्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो उधर भगवान भी रहते हैं और इधर जगत हो भगवान के संपर्क के बिना, भगवान से ही विश्व उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तदुपर दृष्ट, विश्व स्वरूप भगवान है और विश्व के दृष्टा हैं, देखने वाले हैं, इसके ज्ञान रखने वाले हैं, और तत्कर्त्र विश्व के निर्माता हैं और विश्व के हेतु हैं। विश्व हेतु, विश्वकर्ता, विश्व दृष्टा और विश्व, इसका अर्थ है कि विश्व बनाने में केवल भगवान की शक्ति का प्रयोग हुआ है और किसी का कुछ नहीं है। जीवों का तो कुछ है ही नहीं, जीव स्वयं ही भगवान की शक्ति है, भगवान के उत्पादन है। इन सब बातों को गहरे मन से, एकांत मन से यदि विचार किया जाए तो मनुष्य का अभिमान, भोक्तृत्व का अभिमान या कर्तृत्व का अभिमान चला जाएगा। वास्तव में विचार करें कि इस विश्व के निर्माण के विषय में, कारण के विषय में, या विश्व में उसका क्या स्थान है किसी भी व्यक्ति का। अब भगवान को छोड़कर के बाकी किसी पर विचार करें, उसका क्या वैल्यू है इस संसार में। कोई भी व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, इस संसार में रहे या न रहे, संसार का क्या घटने वाला है। आज ही अगर समस्त मनुष्य मर जाए या देवता भी सभी का एक मर जाए तो इससे क्या घटेगा। सूर्य ज्यों का त्यों रहेगा, है ना, हवा बहेगी, पृथ्वी रहेगी, ये पेड़ पौधे रहेंगे, सब रहेंगे। हम लोग वृक्षों के अंदर बैठे हैं, हम लोग न भी रहे तो वृक्ष तो रहेंगे ही। एक मनुष्य का क्या महत्व है इस विश्व की रचना और संवारने के विषय में। मनुष्य ने तो जब किया है तब विश्व को कुछ बर्बाद किया है, पॉल्यूशन यह वह, तो न रहे तो ये संसार बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विश्व के निर्माता भगवान है, वही कर्ता है, हेतु है, सब कुछ वही। यह कर्ता से तात्पर्य है, जैसे मिस्त्री है कोई घर बना देता है तो उसको कर्ता कहेंगे, लेकिन घर बनाने में जो उपकरण लग रहे हैं वह नहीं है, मिस्त्री ईंटा नहीं बना है, वही सीमेंट नहीं बन गया है, लेकिन भगवान तो सब कुछ है, वही मिस्त्री है, वही ईंट है, वही जुगाड़ है, वही सब कुछ है, वही भूमि है और कुछ नहीं है। आगे आएगा अविश्वाय, ये विश्व से बिल्कुल परे है, विश्व से उनको कुछ भी लेना देना नहीं। इसका अर्थ यह है कि विश्व बनाए हैं, जिस विश्व में, जिस संसार में लोग इतना आसक्त हैं, ये खाऊं, वो पहनूं, ये जुटा लूं, ये कर लूं, भगवान को इससे कोई तात्पर्य नहीं। मनुष्यों की दृष्टि में या देवताओं की दृष्टि में यह इतना सुंदर संसार है,
यहीं पर एक क्षेत्र में कब्जा करने के भी बड़े बड़े युद्ध होते हैं, इसी का वर्णन किया जाता है। कितने कवि, कितने लेखक, कितने अखबार छापने वाले, न्यूज़पेपर आदि निकालते रहते, किसका वर्णन करते हैं? इस जड़ जगत का वर्णन करते रहते हैं, रोज नया नया, रोज नया नया वर्णन करते हैं। इसलिए तो न्यूज कहते हैं। ये जो लगा है वो बहुवचन बनाने के लिए, न्यू तो बहुत नया, न्यूज। अरे नया क्या है, बिल्कुल पुरानी बातें हैं सर, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। नई नई बात ये, एक शहर में बड़े बड़े, आप देखेंगे पश्चात देश में, एक शहर में हजारों पत्रिकाएं निकलती, सैकड़ों अखबार निकलते प्रतिदिन। को वर्णन किसका हो रहा है? उस सिटी का, थोड़ा थोड़ा इधर उधर का। यह मरा, यह बोला, यह खाया, इधर ये हुआ हुआ, ज्यादा मरने का वर्णन होता है, इसको न्यूज कहते। ज्यादातर वर्णन आता है, कौन जन्म लिया, क्या लिया, इसका तो कोई जिक्र नहीं रहता है, लेकिन मरने पर चर्चा होती है, चर्चा होगी गली गली। जन्म लेने पर कोई नहीं जानता है, अस्पताल में कई जन्म हुआ है, लेकिन मर जाने पर घर घर चर्चा होगी। तो न्यूज़पेपर में भी चर्चा मरण की, चोरी की, हिंसा की, इन सब की ज्यादा होती है। कोई हरिद्वार में दान किया, किसी को कुछ दिया, इसकी कहाँ चर्चा होती, कौन अखबार में निकालता है? लेकिन कोई किसी को मार दे, छीन ले, डकैती करे तो तुरंत, ये सब नई चीज है इस संसार। नया नया होता रहा। तो एक नगर का वर्णन करने में इतने इतने अखबार, इतने इतने खर्च हो रहे हैं। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से कोई व्यक्ति कहा, वो निकालते थे गौड़ीय पत्रिका और भी न्यूज़पेपर की तरह कुछ, तो किसी ने कहा, पूछा कि क्या आध्यात्मिक मैटर भी इतना अधिक है कि उसके लिए न्यूज़पेपर निकाला जा सकता है? और भी पाक्षिक निकलता था, तो क्या इतना ज्यादा वर्णन किया जा सकता है अध्यात्म का या भगवान का? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उत्तर दिया कि जब जड़ जगत का वर्णन करने के लिए इतनी अखबार और इतनी पत्रिका हो सकती है, तो भगवान का और भगवान के जगत का, वैकुंठ का वर्णन करने में तो कितना अखबार निकलना चाहिए, कितना निकल सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल मरे हुए संसार का वर्णन करने के लिए जब इतना निकलता है, जैसे मान लीजिए कहीं बहुत बड़ी बस्ती है, गांव है, तो उसको एक वैकुंठ की तरह मान लीजिए, और उस गांव का जो शमशान है उसको इस जड़ जगत से मान लीजिए, तो जब शमशान का वर्णन करने में सैकड़ों न्यूज़पेपर छप रहे हैं, तो उस गांव का वर्णन करने में कितने निकलेंगे? तो अब शमशान है, मरा हुआ जगह है वास्तव, लेकिन आप देखिए विचार कि समस्त शहरों के सारे न्यूज़पेपर, पत्रिका, जो कुछ वर्णन है, या फोन करना, लेक्चर देना, सारा इकट्ठा किया जाए तो कितना ज्यादा हो जाएगा। और अनादिकाल से लोग इसी संसार का वर्णन कर रहे हैं, और अपने को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मान करके कि हम इस विश्व को संवार रहे हैं, हम इस विश्व को अच्छा कर देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भगवान हंसते हैं कि इसका विश्व से क्या संबंध है कि ये क्या कर देगा, आज है कल मर करके टांग करके चला जाएगा, ये विश्व को बनाने आया। विश्वकर्ता को, भगवान को समझने के लिए मनुष्य शरीर है, न कि इस विश्व को बनाने के लिए। वो सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, विश्व बनाएंगे। किसको पता था यह कथा सुनने वाले में कि रात को विश्व का निर्माण हवा के झोंका से होगा? था पता, तो विश्व बनाएंगे और भोजनालय का छाजन भी नहीं बना पाए,
वो भी इधर उधर हवा से तितर बितर हो गया, क्योंकि विश्व बनाने वाला दूसरा है। इस तरह से आएंगे, लेकिन लोग सोचते हैं किसी व्यक्ति को इसका बहुत बड़ा महत्व है। वास्तव में किसी का जीरो भर भी महत्व नहीं है इस संसार में। महत्व एक ही दृष्टि से किसी का है कि कोई व्यक्ति आकर के विश्वकर्ता के बारे में बताने लगे, इस विश्व के निर्माता हैं भगवान कृष्ण हैं, हमारे सुहृद हैं, बंधु हैं। अगर यह बात आकर के कोई जो दुनिया में बतावे, जैसे श्रील प्रभुपाद, तब बस उसका महत्व है, नहीं तो और कोई महत्व नहीं है। यहाँ क्या कोई विश्व को संवारेगा और क्या कुछ करेगा? भगवान ने इतना किया है कि वो करने की जरूरत नहीं। जैसे भगवान गोवर्धन पर्वत टांगे थे तो कुछ गोप सखा लगे कहने कि तुम थक गए हो, हम थोड़ा विश्राम कर लो, हम लोग अपना लाठी लगा करके और भगवान ने कहा हाँ ठीक कहते हैं। वो लोग लाठी लगाए, थोड़ा सा हाथ ढीला किए तो लोग गिर पड़े, मर जाएंगे मर जाएंगे। भगवान हंसने लगे, फिर टांग लिए तो विश्व टांगेंगे। जो भी व्यक्ति आया है चिंता कर रहा है, चाहे विश्वांश की चिंता करे, उन विश्व का अंश एक अपना परिवार है, अपना देश है, प्रत्येक व्यक्ति खंड चिंता में है। उस परिवार की दूसरी चिंता कर रहा है, उस परिवार की दूसरी चिंता कर रहा है, उस देश की दूसरी चिंता कर रहा है, लेकिन विश्वाधार जगदाधार जगत के पालक जगन्नाथ जी की का चिंतन नहीं कर रहा है। भगवान सबसे ज्यादा परेशान है किसी बात से तो इसी से कि लोग क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं विश्व के विषय में, हमारा भजन क्यों नहीं कर रहे तो विश्वम्भर है। वास्तव में भगवान को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी भावना से होती है, क्या फिक्र में पड़े हुए हैं। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो, मैं जो क्षण का वहन करूंगा। क्या मर रहे हैं? चिंता से कुछ हो जाता, मरने से हो जाता, तब भी भगवान सोचते। आखिर भगवान पर जितना भार है उतना है ही। तो संत लोग कथा कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति घोड़ा पर जा रहा था तो उसके पास एक गट्ठर भी था, गठरी थी कुछ, जाते जाते किसी ने कह दिया अरे तुम कितना कितना निर्दय हो, घोड़ा पर खुद चढ़े हो और इतना बड़ा वजन भी रखे हो, गट्ठर भी रखे हो। तो उसको बहुत दया आई घोड़े पर, उसने क्या किया, घोड़ा पर बैठे बैठे ही उस घोड़े पर रखे हुए गट्ठर को उठाकर किसी पर रख लिया, कहा कि घोड़े को आराम मिल गया, बहुत रिलैक्स हो गया। अरे मूर्ख, घोड़ा पर जितना वजन था उतना तो रह ही गया और प्लस तुम्हारी गर्दन भी टूटे, अपना भी हालत बिगड़ रही। इसी तरह से व्यक्ति अपने को कर्ता मान रहा है, मैं किया हूं, मैं भोगूंगा, मेरा मेरा, क्या कोई करेगा, भगवान सब कर रहे हैं। किसी के परिवार का, चाहे देश का, चाहे उसका खास, सब कुछ भगवान कर रहे हैं और करेंगे। उनको कभी यह ड्यूटी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जगत रचे हैं तो जरा सावधानी से जग करके इसको किया कीजिए। भगवान सदा सजग, पहले से ही सारा सोच लिया है कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी अपने सिर पर गठरी टांगने में लोग मानते नहीं, कुछ न कुछ चिंता करते रहते। किसी भी व्यक्ति को देखिए तो चिंता की रेखाएं सिर्फ चेहरे पर रहती है, चिंता चिंता। भगवान गीता में कहते हैं मां सुचा, शोक मत करो, आनंद से जियो, और जो कुछ करना है वो मैं करता हूं। वो कहेगा बहुत हमने दुष्कर्म किया है या खराब कर्म किया है तो सब भोगना पड़ेगा, तो भगवान कहते हैं मैं सब माफ कर दूंगा, अहम पाम सर्व पापे भी मोक्ष ही सर्व मां सुचा, मत चिंता करो। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे
लेकिन उनके सामने एक चिंता थी कि इतने लोगों का वध करूंगा तो मुझ पर पाप लगेगा, फिर दुख होगा, भोगना पड़ेगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं मारो, अब अपना काम करो। और उसमें भी भगवान ने दिखा दिया अर्जुन को विराट रूप में, मया एवते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाच। देखो हमारे द्वारा ये सब मार दिए गए हैं पहले से, क्योंकि भगवान में भूत भविष्य का भेद नहीं है, जो घटना होने वाली है वो भगवान में हो चुकी है, कोई अंतर नहीं। साथ देखे अर्जुन भगवान के दांतों में सब पीसे जा रहे हैं, मर चुके हैं। वैसे जो कुछ होने वाला है भगवान करते हैं, मनुष्य व्यर्थ चिंता करता है। तो यहाँ पर जो विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्तृत्व विश्वहेतवे कहा गया है, इसी पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए कि वास्तव में सब कुछ भगवान कर रहे हैं। यह प्राण मनोबुद्ध्या से आत्मना आत्मना आत्मने नमः। भूत का अर्थ पंच महाभूत, मात्रा का अर्थ है उनकी सूक्ष्म मात्राएं रूप रस गंध आदि, और प्राण दस प्रकार के, मन बुद्धि आशय अंतःकरण, इन सब के नियंता हैं भगवान। आत्मा का अर्थ है नियंता, कंट्रोल करने वाले। त्रिगुणेनाभिमान न गूढ़ स्वात्मन भूत है, और त्रिगुण के अभिमान से, तीनों गुणों से रचे हुए इस शरीर के अहम भावना से अपने अंश आत्माओं के जीवों के ज्ञान को जो ढके हुए हैं, ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करती हैं। गूढ़ स्वात्मन भूत है, गूढ़ का अर्थ है छिपा हुआ, और स्व का अर्थ है स्वांश, और आत्मा का अर्थ जीव। जीव सब भगवान के स्वांश हैं, लेकिन इनका ज्ञान भगवान की माया से ढका हुआ। क्यों ढका हुआ? त्रिगुण अभिमान है, तीनों गुणों से रचे हुए शरीर में अहम बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि है, मम बुद्धि है, इसलिए ज्ञान ढका हुआ है। तो भगवान की शक्ति है जो सबके ज्ञान को ढक ली है, असली ज्ञान नहीं है। कहां का जीव और कहां जाकर चिंता कर रहा है, जैसे कोई अपने घर को बिल्कुल भूल जाए और दूसरे जगह जाकर के फालतू वहां की चिंता करने लगे, और कोई कहे कि आपके घर पर बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपका समाज है, आप यहां चिंता कर रहे हैं, यदि उसको ज्ञान हो जाए तो दूसरे जगह की वो बहुत कुछ चिंता को छोड़ करके भागेगा, तो नहीं चलते हैं परिवार में। तो जीव का यह स्वरूप सिद्ध ज्ञान ढक चुका है, पता नहीं। और भगवान के त्रिगुण से रचित देह आदि में अहम बुद्धि या भोक्तृत्व बुद्धि से ढक गया है, और उन लोगों का ज्ञान और अधिक ढकता है जो इस जगत में सफल होते हैं। जैसे मान लीजिए जिनके पास अधिक भूमि है, धन है, सुंदर शरीर है, विद्या है, तो ज्ञान नष्ट होने का ये और उपाय हो गया, तो संतुष्टि होगी। और वैसे लोग जो दुख में रहते हैं तो कुछ से उन्हें शंका होती है कि लगता है कि ये स्थान हमारा नहीं, दुख क्यों हो रहा है, केने हमारे जारे ताप त्रय, क्यों हमको तीनों तापों से जलाया जा रहा है। जब ऐसा वो विचार करेगा तभी तो यहां से भागना चाहेगा, और नहीं धन भी है, स्वजन भी अनुकूल है, स्वस्थ शरीर है, विद्या भी है, मान सम्मान भी है, तो वो क्यों नहीं संतुष्ट रहे, क्यों जाना चाहेगा। तो ढका हुआ है त्रिगुण अभिमान, तीनों गुणों से रचा हुआ जगत है, तो उसमें शरीर है, घर या भूमि, सब कुछ तो त्रिगुण से बना हुआ है। त्रिगुण में ही बुद्धि हो गई है कि ये हमारा है और ये माया। तो जब हमारा और हम यह बुद्धि इधर हो रही है, तो वास्तविक जो हम हैं और हमारा जो है, उसमें कहां से बुद्धि हो पाएगी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आदमी निद्रा में है, सपना देख रहा है, तो जब तक सपना देख रहा है कि यह मैं हूं, यह मेरा है, तो जागृत जीवन में वह जो है और उसका जो चीज है, उसको कैसे वो जान पाएगा।
दूसरे तरफ तो देख रहा है अपने को दूसरे रूप में, सपना देख रहा है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी सपना देख रहा है कि मैं पक्षी बन गया हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वास्तव में जो वह आदमी है जो बेड पर सोया है और उसका ऑफिस है, उसकी कार है, उसके बहुत से कार्य हैं और भी है, तो जब तक सपना चल रहा है तब तक कैसे वो अपने स्वरूप में हो पाएगा। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जागो जीव जाग जागो। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जीव कृष्ण दास करिले विश्वास आर भय नाही। यदि मन में दृढ़ आस्था बन जाए कि जीव कृष्ण का नित्य दास है तो भय नहीं है, नींद टूट गई। त्रिगुणाभिमान और स्वरूपाभिमान दो शब्द बिल्कुल भिन्न भिन्न है। यह त्रिगुणाभिमान शब्द दिया गया है, त्रिगुणाभिमान, त्रिगुण से बने हुए जगत में मैं बुद्धि और मेरी बुद्धि, अभिमान का यह अर्थ होता है। अहंता और ममता को अभिमान कह, हमारी मान्यता हो गई भगवान की ऐसी शक्ति है कि अनंत कोटि जीवों के ज्ञान को गूढ़ कर ले, ढक दी है। एक व्यक्ति की शक्ति देखी, इतने जीवों का ज्ञान हर लिया गया है। आप उसे क्षमा कर दीजिए, सभी बातें जाएंगी अंत में कि आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा करने योग्य। नमो अनंताय सूक्ष्माय कुटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक सत्ये। आपका कभी अंत नहीं है, मतलब आपकी शक्ति का, आपकी दया का, आपके ऐश्वर्य का कभी अंत नहीं है। वहां अनंत शक्ति आया था, यहाँ अनंत शब्द आया है। भगवान का कभी अंत नहीं है, देश काल से परिच्छिन्न नहीं है। और जो भी मनुष्य या देवता आदि हैं वो देश और काल से परिच्छिन्न है, मतलब एक सीमा है। आज तक जितने मनुष्य हुए इतिहास में सबकी सीमा रही ना, बर्थ डेट से लेकर के और मरण डेट तक, बस यही काल परिच्छिन्न, काल की सीमा रहे। लेकिन भगवान कब के हैं और कब तक रहेंगे, न तो शुरू में सीमा चालू है और न अंत में कोई सीमा आने वाली है, इसको अनंत कहते हैं। अच्छा, देश की सीमा, हम लोग एक देश में सीमित हैं, छोटे से स्थान में, जैसे शरीर में है या घर में है, लेकिन भगवान तो देश से भी अपरिचित है। कौन ऐसा स्थान है, कौन ऐसी जगह है जहां कृष्ण नहीं है, तो वे अपरिचिन्न है, महान है। तो इसी प्रकार से भगवान के समस्त गुण, मतलब उनका सौंदर्य, उनकी कृपा, उनका ऐश्वर्य, जो कुछ भी है सब अपरिचिन्न है, उसकी कोई सीमा नहीं। हम लोगों के स्मृति की सीमा है, हमारे स्नेह की सीमा है, कितना स्नेह करेंगे, इसकी एक बहुत सीमा है, लेकिन भगवान के किसी भी वस्तु की सीमा नहीं, अनंत है। इसलिए उनका नाम ही है अनंत, गुणान अनंतवा जमनंत माहु, गुणों की अनंतता के कारण ही भगवान का नाम है अनंत, ऐसा शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, गुणान अनंतवा जमनंत माहु, गुणों की अनंतता के कारण जिनको अनंत कहा जाता है, ऐसे प्रभु की मैं शरण लेता हूं। भागवत प्रारंभ करते समय शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं ऋषियों से, तो वे अनंत है और सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ है दुर्गे, भगवान के रूप गुण लीला धाम आदि जल्दी नहीं समझ में आते हैं, स्थूल बुद्धि वाले नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ होता है बिल्कुल फाइन, छोटा, कैसा सूक्ष्म है। भगवान ने कहा है कि सूक्ष्मों में मैं जीव हूं, भागवत में बोले हैं उद्धव जिसको कहते हैं सूक्ष्मों में मैं जीव हूं, छोटा से छोटा वस्तु में मैं जीव हूं। तो भगवान उससे भी छोटे हो सकते हैं, सूक्ष्म अदृश्य हो सकते हैं। तो केश के अग्र भाग को यदि 100 टुकड़े में बांटा जाए
और फिर उसमें से एक टुकड़ा को लेकर पुनः 100 भाग में किया जाए, उतना छोटा जीव है ये, हम लोग कल्पना से बाहर है। ऐसी कोई मशीन है क्या जो केस के अग्रभाग को 100 टुकड़े बांट दे? 2 टुकड़े में नहीं बांट सकते, बिल्कुल अग्रभाग इतना सूक्ष्म अकेले होगा कि क्या टुकड़े बांटेंगे। बिल्कुल उसके टिप अग्रभाग को लीजिए तो 2 टुकड़ा करना असंभव होगा, लेकिन कदाचित उसके 100 भाग किए जाए और फिर उसमें से एक भाग को लेकर उसके 100 भाग किए जाए, उतना सूक्ष्म जीव है जो इस शरीर में रह रहा है। भगवान जीव से भी सूक्ष्म है। अणु रणिया महतो महिया, अणु से भी अणु है, छोटे से भी छोटे हैं और महत से भी महत। ऐसा कुछ भी नहीं है अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भगवान के एक रोम कूप में न अट जाए। सारा विश्व सब भगवान कारणोदक साई के मुख से सारा विश्व निकलता है जब सोते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो महत से भी महत हुए, बड़े से भी बड़े हुए और छोटे से भी छोटे, क्योंकि छोटे छोटे जीव में भी ऐसे जीव हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं पर उनके भीतर भी परमात्मा है। जीवांतर जामी, जीव के भीतर भी परमात्मा है। जीव के भीतर मतलब जीव के साथ, जीव में टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए उनको सूक्ष्म कहते हैं। कुटस्थाया, कुटस्थ का अर्थ है निर्विकार। कई प्रकार के विकार होते हैं, जैसे मन के 6 विकार होते हैं और फिर शरीर के होते हैं 6 विकार, जैसे है जायते, तिष्ठति, जायते, वर्धते, परिणमते, तिष्ठति, जीर्यते, विनाश्यते। ये 6 विकार हैं शरीर के। जन्म लिया है शरीर, बढ़ता है, जवान होता है, कुछ दिन तक रहता है, फिर इसमें से नख निकलते हैं, केश निकलते हैं, कई बार काटते हैं शरीर, कितना भी विपरिणत हुआ अगर ये केश को शुरू से ही न काटा जाए तो कोई भी आदमी महाजटाधारी हो जाएगा, है ना। शुरू से ही, बचपन से ही यदि न काटा जाए तो शरीर से इतना केश निकले, इतने नख निकले। भी परिणमते का एक भी अर्थ है बच्चे होते हैं, और फिर जीर्ण होने लगता है कुछ काल के बाद, और इसके बाद विनाश। 6 विकार इसको कहते हैं, लेकिन भगवान के शरीर में यह सब कोई विकार नहीं, उनको कुटस्थ कहते हैं। सब प्रकार के विकार सहीन है, और मानसिक विकार होते हैं मनुष्यों के मन में, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 विकार। खट विकार कल कल लोग कहते हैं, अरे भाई खट विकार से जब पार होगे तब ना। 6 विकार, भगवान में सब विकृतियां नहीं, उनका मन जैसा है वो एक समान सदैव है सबके प्रति। और एक मनुष्य का मन देखिए, एक दिन भी एक समान नहीं रहता है, सोया रहता है, सोया तो सपना देख रहा है, और जगा तो कुछ दूसरा चीज देखने लगा, तब तक स्त्री पर क्रोधित हो गया, चाहे बच्चे पर गर्म हो गया, इसे विकार होते रहते हैं। कभी मोह उत्पन्न होता है खूब, यह मैं हूं, यह मेरा है, ये है, तो काम क्रोध लोभ, किसी से जलन, इसको मत्सरता कहते हैं। तो एक ही मन है लेकिन उसकी अवस्थाएं निरंतर होती ही रहती हैं। और सभी लोग अपने अपने मन के साक्षी हैं कि मन क्या क्या होता रहता है, लेकिन भगवान का मन, असल भगवान में मन और उनमें भेद नहीं है, लेकिन एक समान रहते हैं, इसलिए उनको कुटस्थ कहते हैं।
तो आप ऐसे प्रभु नहीं हैं कि आप क्रोध करें, यह करें, वह करें, आप तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। तब कुटस्थ हैं, विपश्चित है, और आप विपश्चित हैं, विद्वान हैं, सभी बातों के अज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, शास्त्र जानते हैं और जीवों के कर्म को सब कुछ कुछ जानते हैं। जो सर्वज्ञ है उसको विपश्चित कहते हैं। नाना वाद अनुरोध आया, भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, लेकिन हमारे विषय में तो लोग अनेक प्रकार के बात उपस्थित किए हैं कि भगवान ऐसे हैं, ये है, वो है। तो कहते हैं हाँ, नाना वाद है इस संसार में, लेकिन जितने वाद हैं उस सबकी अवधि आप ही हैं। आप ही के विषय में लोग बोलते हैं, भले गलत बोले बोलते हैं आपके विषय में। अनुरोध का अर्थ है सीमा। कोई भी मत है, अनेक मत है, ईश्वर के विषय में ही सब बोलते हैं। खास करके इस पृथ्वी पर बहुत मत है, भगवान के अनेक नाम रख दिए गए हैं, या कुछ लोग तो यही प्रचार करते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं। चलो यह भी एक मत हुआ। तो किसका नाम नहीं है, तो भगवान का नाम नहीं है, तो ये भगवान का ही वर्णन हुआ है, यह भी भगवान का वर्णन हुआ है। रूप किसका नहीं है, तो भगवान का रूप नहीं है। इसको नाना वाद का अनुरोध कहेंगे, अनुरुद्धि। कोई भी वाद अंत में भगवान का ही वर्णन करता है। जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य को कोई कहे कि वह मनुष्य मनुष्य नहीं है, वह पशु है, भले उसको पशु कह रहा है, लेकिन इंटिटी व्यक्ति उसी का वर्णन कर रहा है। इस पृथ्वी पर बहुत मत हैं, और भगवान के विषय में मत तो बहुत है ही, भगवान को रिझाने की विधियां भी बहुत हो गई। कोई व्यक्ति सोचता है कि ध्यान करने से भगवान पा जाऊंगा मैं, और वो भी ध्यान कैसा, तो केवल जलते हुए लैंप का ध्यान करो, दिया, ज्योति। अथवा कुछ लोग ध्यान करते हैं, सोचते हैं कोई रूप आवे ही नहीं, ऐसा भगवान है, कोई पेड़ पौधा पशु आदमी, कोई रूप नहीं आवे, निर्वृत्तिक मन करते हैं, वृत्तियां न आवे, क्योंकि जहां तक मन जाता है सब माया है, इसलिए इस माया को आने मत दो। शायद माया को नहीं आने देंगे, कोई रूप का स्मरण नहीं करेंगे तो भगवान मिल जाएगा। तो उनके मन के अनुसार भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन ये सब रूप हटाने के बाद मिलेंगे, ये भावना है। कुछ सोचते हैं कि भगवान चुप रहने से मिलेंगे, बोलना उनको पसंद नहीं, तो मौन ले लेते हैं। कुछ सोचते हैं खड़ा रहने से मिलेंगे, खड़ा रहना चाहिए, लेकिन भजन के लिए खड़ा रहना चाहिए। हम लोग तो ज्यादा देर खड़ा रहकर ही भजन करते हैं, तो हरिनाम में खड़े रहते हैं, मंदिर में खड़े रहते हैं, आरती में खड़े, स्वरी तो ऐसे ही हैं सब लेकिन यह नहीं कि चुपचाप खड़ा रहे और पैर को हाथी का पांव बना ले खड़ा रहे। ध्रुव महाराज ने खड़ा रहकर भजन किया, मनु महाराज खड़ा रहकर भजन किया, अत्रि जी खड़ा रहकर भजन किए, भागवत में लिखा गया। हम लोगों में भी जिनको नींद आती है वो खड़ा रहकर जप करने लगते हैं तो उत्तम तो यही है कि बैठ कर किया जाए, लेकिन यदि जप की आवे तो खड़े शरीर होकर तो भजन करना चाहिए खड़ा। तो कई प्रकार के मत हैं, और मतों की बात छोड़ दीजिए, भक्ति में भी बहुत मत है। भक्ति भी नौ प्रकार की है, और नौ प्रकार में से एक एक के फिर हजारों हजारों प्रकार होते हैं। भक्ति जो को बहु विधर मार्गर भामिनी भाव्यत। तो भगवान के विषय में, आपके विषय में अनेक मत हैं, ये है वो है, लेकिन किसके विषय में अनेक मत हैं? कालिए के फण पर नाचने वाले के विषय में अनेक मत है, साफ बात ये। अब चाहे उसको कोई कुछ भी समझे
पहले के लोग बहुत शुद्ध थे, भगवान के रूप को पहचानते थे, जानते थे भगवान का रूप है। भले कभी कभी धारणा गलत हो जाती थी, लेकिन भगवान के रूप का ज्ञान सबको था। अभी केवल 500 वर्ष पहले की घटना है, 512-14 वर्ष चैतन्य महाप्रभु को कितने दिन हुए, जो जब वो वृंदावन गए थे एक दिन की बात थी, एक नाविक रात में अपनी नौका लेकर के और उस पर दिया जलाकर मछली मार रहा था काली दह में, तो उस क्षेत्र में कुछ लोग रात में देखे तो हल्ला की, उनकी सहज श्रद्धा थी, भगवान प्रकट हुए हैं कालिये के फौर पर, भगवान प्रकट हुए, चारों तरफ हल्ला हुआ, और जाकर के लोग देखते थे रात के समय, तो नौका जो थी वो कालिये के शरीर जैसा, और दीपक जो जल रहा था वो कालिये के फण पर मणि जल रहा था, और मल्लाह जो था वो कृष्ण था, ऐसा चल रहा था। होते होते बलभद्र भट्टाचार्य के कान में बात आई, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, इतना घूमे थे भगवान के साथ रहे थे, लेकिन आखिर जनमत भी कुछ होता है ना, जब चारों ओर लोग कहने लगे कि भगवान प्रकट हुए हैं और साधु होकर तुम लोग दर्शन नहीं करते हो, दर्शन करने चाहिए, हम वृंदावन धाम है वो रात में प्रकट होते हैं। बलभद्र भट्टाचार्य से नहीं रहा गया, अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए, भगवान से कहने लगे चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु आप तो स्वयं ही कृष्ण हैं, लेकिन हमारा जीवन धन्य हो जाता है यदि मैं भगवान का दर्शन करता, भगवान प्रकट होते हैं रात में काली दाव में भगवान प्रकट होते हैं, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, बहुत लालसा है, आपकी आज्ञा हो तो जाकर दर्शन करो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु एक तमाचा मारे उनको, कि बातुल लोक के पीछे तुम बातुल मत हो, लोक पागल है, भगवान कहे को प्रकट होने जाए, चुपचाप रहो, सवेरे पता लगेगा क्या घटना है। तो सवेरे हल्ला हुआ कि वो केवट मछली मार रहा था काली दर, उसकी नौका काली सर पे, और वह कृष्ण और उसका लालटेन या दीपक सांप का मणि बना हुआ। तो हमें तो खैर इस घटना से केवल इतना ही तात्पर्य है कि कितनी आस्था लोगों की भगवान के लीला में रूप में थी। केवट को रात में न जानकर कोई समझे भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, परंतु आज के युग में भगवान प्रकट हैं मूर्ति के रूप में, फिर भी मूर्खों को नहीं दिखाई देते। देखिए कितना गिर गया समय, हम कहते हैं ये पत्थर है, ये है, पहले के लोग श्रद्धालु थे, नाना वादा अनुरोध है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो वैष्णव को ही सोचना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण को ही नमस्कार कर रहा है, लेकिन बेचारा अनजान में भगवान का नाम अपने से रख लिया है, कुछ अपनी विधि है, वाच्य वाचक शक्त है, और भगवान ही वाच्य और वाचक है, जो शब्द बोलने की शक्ति वो भी शक्ति वे दिए है, शब्द वही बनाया है, और शब्द के द्वारा जिस चीज का वर्णन किया जा रहा है वाच्य वो भी वही है। तो संसार में कुछ भी बोला जा रहा है तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान शब्द दिए हैं, और जिसके विषय में बोला जा रहा है वो भी सब भगवान का है, इसको वाच्य वाचक शक्ति कहते हैं। भगवान बोलने की शक्ति दे रहे हैं और जिसके विषय में बोला जा रहा है उसको भी वही बनाए हैं। इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, नमः प्रमाण मूलाय कवय शास्त्र जोने, आप प्रमाण के भी मूल हैं, जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए आंख प्रमाण है, तो आप आंख के भी आंख हैं, चक्षु के चक्षु हैं, ये उपनिषद में बात कही गई है, जितना प्रमाण है उसके भी मूल है, क्योंकि कवि है,
दृष्टा और शास्त्र की योनि है, शास्त्र उनसे प्रकट हुआ है, वेद जिनका निःश्वास है सहज, शास्त्र के कारण आप प्रवृत्त आए, आप प्रवृत्त है। प्रवृत्त का अर्थ है कुछ लोगों की ये मान्यता है संसार में कि भगवान चुपचाप आराम करते होंगे आराम कुर्सी पर, कुछ करते नहीं हो, क्योंकि करता है काम वो जिसको जरूरत है, जो अभाव में है, और जो पूर्ण है पूरा विश्व का मालिक थोड़े कुछ करता होगा, लेकिन नहीं आप करते, आप प्रवृत्त रहते हैं, भगवान हमेशा क्रिया में रहते हैं। और वैसे निवृत्त आया, दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो हमेशा निवृत्त है, क्योंकि उनको कोई इच्छा नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कृष्ण को अप्राप्त है, उस दृष्टि से वे अप्रवृत्त है, केवल जीवों के हित के लिए सृष्टि करते हैं और कार्य करते हैं, लीला करते हैं, नहीं तो ऐसे अपनी इच्छा से अपने अभाव की पूर्ति के लिए नहीं, इसलिए प्रवृत्त भी है निवृत्त भी। प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः, भगवान निगम, निगम का अर्थ है कि भगवान से ही सबको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जगत में जो कुछ भी किसी जीव को जो मिल रहा है वो कारण भगवान है, उसको निगम कहते हैं। नितराम गमयति प्राप्यति सर्वान अर्थानिति निगम स निगम, जो सब कुछ प्राप्त कराते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ भी है उसकी प्राप्ति भगवान से ही होती है किसी को, इसीलिए उनको निगम कहते हैं। वेद का भी नाम निगम है, इसीलिए निगमाय नमो नमः, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च, कृष्ण को नमस्कार है जो चतुर्व्यूह रूप में है, राम मतलब शंकर सन, वसुदेव जी के पुत्र, चतुर्व्यूह के रूप में कृष्ण को नमस्कार है यह कह रही है। चतुर्व्यूह मतलब समस्त जीवों की जो अंतः इंद्रियां हैं चार, जिनको अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है, चित्त अहंकार मन और बुद्धि, इन चारों को कंट्रोल करने के लिए परमात्मा अपने को चार रूप में एक्सपैंड करते हैं, तो उनको वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कहते हैं। सबके मन के कंट्रोलर, बुद्धि के, चित्त के और अहंकार के, तो अहंकार के नियंता संकर्षण है और चित्त के नियंता वासुदेव, बुद्धि के नियंता प्रद्युम्न और मन के नियंता अनिरुद्ध है, लेकिन इन चारों के रूप में कौन है, कृष्ण, इसलिए कृष्ण को प्रणाम करें, नमो कृष्णाय नमः कृष्णाय रामाय, आप ही राम है मतलब संकर्षण से तात्पर्य, वसुदेव सुताय च, वसुदेव जी के पुत्र आप ही मतलब बलराम जी आप हैं, यहां वसुदेव सुताय कृष्ण के लिए नहीं कह रही है, मतलब आप ही चारों रूप में हैं, संकर्षण के रूप में और प्रद्युम्न अनिरुद्ध और वासुदेव के रूप में, तो भगवान अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों से भिन्न भिन्न वस्तुओं को कंट्रोल करते हैं, जितना भी मन है जितने प्राणियों के पास सबके नियंता कंट्रोलर भगवान अनिरुद्ध है, इसलिए भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना की गई है भागवत चौथे स्कंध के 24वें अध्याय में कि हे अनिरुद्ध भगवान हमारे मन को शुद्ध करके अपने रूप गुण लीला में लगा लीजिए, और बुद्धि के स्वामी है भगवान प्रद्युम्न, और अहंकार जैसे हम सोचते रहते हम ये हैं, हमारा शरीर है, हमारा ये है, मेरा अहंता और ममता, इसको अहंकार कहते, इन सब के इन भावनाओं के नियंता भगवान शंकरसन है, और चेतना जो है उसके नियंता भगवान वासुदेव, चेतना
इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। और अंतःकरण चतुष्टय को कंट्रोल करने के लिए भगवान जो अपने को एक्सपैंड करते हैं तो उनको चतुर्व्यूह कहते हैं। इस तरह प्रणाम कर रहे हैं। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्तिपलक्षाय गुणदृष्टि स्वसंविदे। गुण प्रदीपाय, यहाँ गुण का अर्थ है अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय को आप ही प्रकाशित करते हैं, नहीं तो चित, अहंकार या मन और बुद्धि ये जड़ है, इनमें चेतना भगवान देते हैं। तब कोई व्यक्ति मन से संकल्प विकल्प करता है या बुद्धि से अध्यवसाय करता है या चेतन रह करके कोई कार्य करता है, भगवान यह शक्ति देते हैं, इसलिए उनको गुण प्रदीप कहते हैं। गुणों को प्रदीपयति, प्रकाशयति, चेतयति, चेतनी भूतम करोति, सगुण प्रदीप। कण कण में भगवान व्याप्त है, इसके द्वारा यह ध्वनित कर रहे हैं कि आप हमारे पति के या हमारे चित मन आदि में बैठे हैं। तो इस प्रकार से हिंसक वृत्ति करना, फुफकारना, डसना, काटना, ये सब तो आप ही करा रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, आप क्रोध छोड़िए, आप हमारे पति को क्षमा कीजिए। गुणात्मक छादना है चल, गुणात्मक छादना है, लेकिन गुणों से अपने को ढके रहते हैं। यहां गुण का अर्थ है अंतःकरण चतुष्ट है। तो सभी जीवों के पास चार इंद्रियां हैं भीतर, और ये चारों इंद्रियां ही बाह्य इंद्रियों को प्रेरित करती हैं, मूल यही है। तो भगवान ने ढके हुए हैं, ढकने का अर्थ यह है कि जीव ढका हुआ है, किससे? गुणों से, अंतःकरण चतुष्टय से। इस पर एक प्रश्न उठाया है श्रीधर स्वामी ने कि जब भगवान गुण प्रदीप हैं, जब अंतःकरण को वही प्रकाशित करते हैं, तो सबके अंतःकरण द्वारा वे साफ साफ समझ में क्यों नहीं आ जाते हैं? जब वही मन बुद्धि को प्रकाशित कर रहे हैं तो अपने सहज स्वरूप में क्यों नहीं दिखाई पड़ जाते हैं? तो इसका उत्तर देती है नाग पत्नियां, गुणात्मक छादना है। गुण के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, भिन्न भिन्न अंतःकरण के द्वारा जीव की वृत्ति ढकी रहती है, मतलब उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की दशा होती है। तो इस कारण से आप भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई देते हैं जीवों को। इसका अर्थ जैसा हमारा मन होगा, जैसी हमारी बुद्धि होगी, जैसा अहंकार और चित होगा, उसी के अनुसार हम भगवान को समझेंगे। भगवान तो है एक समान, लेकिन गुणों के द्वारा, अंतःकरण की विभिन्न दशाओं के द्वारा वे ढके रहते हैं। ढका हुआ है जीव, लेकिन यह भगवान पर पर्दा किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम इस बितान के भीतर बैठे हैं और ये कह दें कि सूर्य ढका हुआ है, ये कहा जा सकता है, लेकिन सूरज नहीं ढका है, हमारी आंख ढकी है इस वितान द्वारा। तो उसी तरह से गुणात्मक छादना है, गुणों के द्वारा वास्तव में जीव का ज्ञान ढका हुआ है, न कि भगवान ढके हुए हैं। तो इधर से जैसी चेतना है, जैसा आवरण है, उसके अनुसार भगवान दिखाई पड़ते हैं। अतः मन शुद्ध करना चाहिए, मन शुद्ध होगा तो भगवान ठीक दिखाई देने लगेंगे, नहीं तो चेतना होने से क्या होगा? मन है, बुद्धि है, अहंकार है, लेकिन सब दूषित। इसी से भगवान भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देते हैं। गुण वृत्तिपलक्षाय, कैसे आप कह सकते हैं कि भगवान अंतःकरण के प्रेरक हैं? इसलिए कि गुण की वृत्तियों से ही उनका पता चलता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त जड़ हैं, लेकिन जब कार्य करते हैं तब अपने आप पता चलता है कि इनके भीतर कोई चेतन तत्व है जो बैठकर कार्य करा रहा है। गुण के कार्यों से, अंतःकरण के कार्यों से ही इनके नियंता का पता चलता है कि आप हैं इसके भीतर। गुण दृष्ट और इनके साक्षी भी हैं, इन तत्वतः आप स्वसंविद हैं। आपको कोई अपने अंतःकरण से, अपनी वृत्तियों से नहीं जान सकता है।
अब स्वसंबित, जैसे जीव के लिए आप ज्ञान देते हैं और वह किसी वस्तु का ज्ञान अपने अंतःकरण द्वारा इंद्रियों द्वारा समझता है, लेकिन आपको जब कोई ज्ञान प्राप्त करना है या आपको जानना है तो आपको जरूरत नहीं है अंतःकरण की, आप स्वसंबित हैं, स्वयं ही ज्ञानमय है। यह भगवान को प्रयास नहीं करना पड़ता है कि ये चीज मैं जान जाऊं, पढ़ना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता है। जैसे भगवान सूर्य को कभी यह विचार नहीं करना पड़ता है कि जरा मैं प्रकाशित हूं, तो प्रकाशमान प्रकाशित रहना उनका स्वभाव है। ऐसे ही भगवान को ऐसे दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि जरा सोचूं पहले क्या हुआ था, आगे क्या करना है। स्वसंबित इसको कहते हैं, अपने आप सहज ज्ञानमय। मनुष्यों में कोई सहज ज्ञानमय नहीं है, उसे पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, रटना पड़ता है, कई कार्य अभ्यास करना पड़ता है, तो अभ्यास से कुछ कुछ ज्ञान होता है, परंतु भगवान के लिए अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं। सहज ज्ञान घन को स्वसंबित कहते हैं। हम लोग तो पर संबित संबित हैं, पर संबित का तो दूसरा कुछ पढ़ाया तो सीख लिए, दूसरा कोई बताया या किसी चीज की सहायता से कुछ जान जाते हैं। अब तो लोग थोड़ा थोड़ा हिसाब जोड़ना होता है तो काउंटिंग करने वाली मशीन से समझते हैं, तो अपने आप स्वसंबित कहां से होंगे, तो दूसरा जोड़ करके बताएगा, वो भी जोड़ मशीन बता रहा है तो निश्चिंत लिख लेते हैं हाँ इतना हुआ है। कई लोग ऐसे हैं कि उनके पास काउंटिंग मशीन ना हो तो ये जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग हैं। हमने सुना था कुछ लोग कहते थे कि 2000 में कंप्यूटर फेल कर जाएंगे तो कैसे होगा क्या होगा, तो हम एक व्यक्ति से कहे क्या होगा, पढ़े लिखे लोग हैं हिसाब जोड़ लेंगे, तो अरे नहीं नहीं उसे नहीं हो पाएगा ये नहीं। और कुछ नहीं हुआ। तो स्वसंबित में और